ओके। हाँ जी दोस्तों बताएं भाई, ऑडियो बताइए। अब आ रही है क्या? अभी बताएं भाई, ऑडियो आ गया? बोलिए दोस्तों। ऑडियो बताइए। चलिए ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो सब लोग एक बार जुड़ जाते हैं, फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। में लास्ट टाइम हम रेक्टिफायर पढ़ा रहे थे, तो एक हाफ ईयर रेक्टिफायर हमारा चल रहा था, है ना? तो हाफ ईयर रेक्टिफायर में मैंने कुछ आपको बातें बताई थी, और आज उसी की कॉन्टिन्यूटी में आगे बढ़ेंगे भाई। ठीक है, मशीन की क्लास करेंगे भाई। मशीन की क्लास थोड़ा सा सुबह की मुझे दिक्कत हो रही है, मशीन की क्लास में थोड़ा सा स्लीप साइकिल ठीक नहीं हो रहा है, तो एक दो दिन का और वेट करते हैं। थोड़ा सा मैं उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी कोशिश करेंगे कि अगर एप्टीट्यूड ख़त्म हो जाए तो उसकी जगह पे फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि मशीन की जो क्लास है वो आ जाए। साउंड नहीं आ रहा भाई, बताओ। कुछ लोग कह रहे हैं नो साउंड, आवाज़ आ रही है क्या? एक बार बताओ भाई। ब्राइटनेस कम कर देंगे। पहले बताइए ऑडियो आ रहा है क्या? हाँ जी बताओ भाई, ऑडियो क्लियर है? एक बार बताओ। कुछ लोग कह रहे हैं नो साउंड। शानू, ओके ओके ठीक है, कोई नॉइज़ तो नहीं आ रही ना भाई? चलिए ठीक है भाई, ठीक है। लो तो नहीं रहेगी, डोंट वरी, लो को अप कर देंगे। ठीक है, हाँ जी, तो शुरू करें फिर, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो लास्ट टाइम मैं आपको रेक्टिफायर पढ़ा रहा था, और रेक्टिफायर में हमने देखा था कि किस तरह से हमारा जो कैपेसिटिव लोड, अगर हम मैं लगाता हूँ, मतलब आउटपुट पे कैपेसिटर लगा देता हूँ, तो कैसे वो बिहेव करता है। और जो जब मैं आपको रजिस्टर लगाता हूँ तो कैसे बिहेव करता है। और लास्ट टाइम मैंने फिर दोनों को एक साथ लगा दिया था, है ना, कैपेसिटर को भी और रजिस्टर को भी। तो आज मुझे उसी का एनालिसिस करना है कि कैपेसिटर और रजिस्टर अगर एक साथ हुए तो किस तरह का बिहेवियर आएगा, डायोड से कितना करंट आएगा, कितनी देर के लिए डायोड कंडक्ट करेगा, ये सब चीज़ें जो हैं ये अपने को डिस्कस करनी है। तो चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं सिलसिला। और लास्ट टाइम जो मैंने सर्किट बनाया था वो ज़रा देख लीजिए एक बार। मेरे ख्याल से ये सर्किट था, एक हमने कैपेसिटर लिया था और एक हमारे पास रजिस्टर था, ऐसे था ना भाई? बोलिए बोलो। और यहां पे था वीआईटी, वीआईटी, और वीआईटी की वैल्यू थी वीएम साइन ओमेगा टी। ये मैंने साइनोसाइडल वोल्टेज लिया था, ठीक है। ये था मेरा कैपेसिटर सी और ये था मेरा आर, और यहां पे मेरे पास आउटपुट वोल्टेज थी वी नोट टी, वी नोट टी। ये था मेरा डायोड डी। अब इसमें अगर आपको मैं आउटपुट को एक बार दिखाऊं कि आउटपुट किस तरह का बना था, थोड़ा सा मैं वो दिलाता हूं, दिखाता हूं एक बार, जरा देखिए। हमने ऐसा किया था कि भाई मेरी जो इनपुट वोल्टेज है वो इस तरह की थी साइन वेव, तो जो आउटपुट बनेगी वो जरा देखिए। शुरुआत में हमने कैपेसिटर को जीरो माना था, ठीक है, मैं उसी को रिवाइज करा रहा हूँ थोड़ा सा। तो कैपेसिटर की वोल्टेज इस तरह राइज करेगी और मैक्सिमम तक जाएगी, ठीक है, वीएम तक जाएगी। उसके बाद इनपुट डाउन हो रही है तो डायोड कंडक्ट करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि अगर डायोड कंडक्ट करता रहा एक मिनट के लिए, सोचिए, तो यही वोल्टेज यहां पे मिलेगी कैपेसिटर के अक्रॉस, आर के अक्रॉस ही वही मिलेगी, सही बात है। तो अगर मैं ये बोलूं कि भाई डायोड मेरा कंडक्ट कर रहा है, तो उस केस में मैं ये बोल सकता हूं कि जब ये डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगी, अगर डायोड शॉर्ट हो रखा है तो। और जब कैपेसिटर की वोल्टेज डिक्रीज होगी, इट मींस वो करंट को क्या करेगा बताओ? वापिस देगा, ठीक है, वापिस देगा। अब वापिस देने का चांसेस है नहीं यहां पे, क्योंकि वापिस करंट डायोड आने नहीं देगा। आप बोलोगे सर वापिस देगा तो आर में चला जाएगा, तो अगर आर में जा रहा है कैपेसिटर का करंट तो फिर डायोड कंडक्ट क्यों कर रहा है? ठीक है, तो ये सब दिक्कतें हैं। इस वजह से मैंने बोला था कि यहां पे आपका जो कैपेसिटर है वो आपका क्या कर देगा बताओ? डायोड को कंडक्ट कराना बंद कर देगा, और कैपेसिटर जो है वो डिके करेगा, कैपेसिटर वोल्टेज एक्सपोनेंशियली डिके करेगी।
याद है आपको, फिर यहाँ के बाद फिर से इनपुट वोल्टेज बढ़ जाएगी मेरी, ये आउटपुट वोल्टेज ये बनेगी, कैपेसिटर की जो वोल्टेज है यही मेरी क्या है बताओ, आउटपुट वोल्टेज है VCT। अगर आपको ध्यान हो, ये मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट टाइम, मैं उसी को थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ। तो ये मेरी आउटपुट वोल्टेज आ जाएगी दोस्तों यहाँ पे। अब जैसे ही इनपुट की वैल्यू फिर से यहाँ से यहाँ वाली वोल्टेज से बड़ी होगी, फिर से आपको क्या होगा, डायोड कंडक्ट करेगा और कैपेसिटर की वोल्टेज भी राइज करेगी और आउटपुट भी राइज करेगी साथ साथ यहाँ तक, और उसके बाद फिर से आपका डिके करेगा। तो अगर मैं अंडर स्टडी स्टेट देखूं तो शुरुआत में ये इस तरह का नहीं नजर आएगा, स्टडी स्टेट में ऐसा नहीं आएगा, स्टडी स्टेट में ये भी ऐसा नजर आएगा। शुरुआत में भी मैं नीचे से दिखाऊंगा इसको, शुरुआत में मतलब यहां से दिखाऊंगा मैं। आप बोलोगे सर शुरुआत तो जीरो से हुई है, हाँ लेकिन मैं जो वेवफॉर्म बना रहा हूँ कौन सी बना रहा हूँ बोलो, स्टडी स्टेट वाली। तो स्टडी स्टेट में फिर ये बनेगी दोस्तों, ठीक है भाई समझ आया, ये वेवफॉर्म रहेगी। मतलब नीचे से तो केवल जीरो टाइम पे आया था, जीरो टाइम कई साल पहले हो चुका है, उस टाइम ऐसा बस चढ़ा था और उसके बाद फिर ऐसे ऐसे शुरू हो गया। तो अगर मान लीजिए मैं किसी भी इंस्टेंट पे देखूंगा तो मुझे ये नजर आएगी, ठीक है भाई। ये मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि किस तरह के ये वोल्टेज मेरी बनेगी। अब सुनिए, मैंने आपको एक और जानकारी भी दी थी कि ये असल में यहां पे बंद नहीं होता। अगर ये ओमेगा टी एक्सिस ले लूं मैं तो यहां पे जीरो है, ये क्या है बताओ पाई बाई टू, और ये क्या है बताओ पाई, ये आपका टू पाई, ऐसे था ना भाई। तो असल में ये यहां पे ऑफ नहीं होता, असल में डायोड कनेक्ट करना कहां पे ऑफ होता बताओ, थोड़ा सा आगे माइन्यूट से टाइम थोड़े देर के लिए और कंडक्ट करेगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बहुत सारे लोगों से, खासकर जब वो इंटरव्यू फेस करते हैं तब, तो मुझसे पूछते हैं बाद में कि सर ऐसा मतलब ऐसा होता है क्या, तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता के चल रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं, मैं थोड़ा ब्राइटनेस को कम कर देता हूँ सो देट आपको दिखने में दिक्कत ना आए। अभी बताइए आप लोग को ठीक दिख रहा है क्या, मुझे लग रहा है अभी शायद पिक्चर थोड़ी सी सही नजर आएगी आपको। हाँ जी जरा देखिए दोस्तों, अब तो मैंने आपको बताया कि किस तरह की आउटपुट वोल्टेज या कैपेसिटर की वोल्टेज की वेव शेप बनेगी। अब यहां पे दो तीन चीजें नोट करने वाली हैं, एक तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, कैपेसिटर की वोल्टेज इनिशियली मैं अगर यहां पे वीएम मान लूं एक मिनट के लिए, और इस टाइम को अगर मैं टी इक्वल टू जीरो मान लूं एक मिनट के लिए, सोचिए यहां से मैं वेव को स्टार्ट करने की कोशिश करूं, अगर मैं इसको जीरो टाइम मान लूं तो आप ये कह सकते हो क्या कि जो इसकी जो इक्वेशन बनेगी एक्सपोनेंशियली डाउन हुआ, और इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, ई टू द पावर वीएम ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है ये इक्वेशन बनेगी भाई। आप बोलोगे सर ये कैसे बनी, तो इसके लिए आपको थोड़ा ट्रांजिएंट पढ़ना पड़ेगा। देखो इस रीजन में यहां से लेके यहां तक डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा है, अगर डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा तो जो सर्किट है वो ये काम कर रहा है, बस ये सर्किट काम कर रहा है, और कैपेसिटर के पास क्या है इनिशियल वोल्टेज है वीएम, तो धीरे धीरे अपना करंट इधर देगा और कैपेसिटर की वोल्टेज धीरे धीरे क्या होगी डाउन होगी, डिस्चार्ज होगा। तो इसलिए मैंने एक्सपोनेंशियली दिखा दिया, इसको एक्सपोनेंशियली डिस्चार्ज होगा। आपको इसकी इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, कैपेसिटर की इनिशियल वोल्टेज क्या है, अगर यही सर्किट हमेशा काम करता रहा तो स्टडी स्टेट वोल्टेज क्या बनेगी बताओ, कैपेसिटर की इनिशियल वोल्टेज क्या है बताओ, और अगर यही सर्किट काम करता रहा ऑलवेज इस सर्किट का टाइम कॉन्स्टेंट बताओ आर सी, तो आप देख सकते हो उसके हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है ना। बोलिए, तो मेरी आउटपुट वोल्टेज है वो रेड वाली आपको नजर आएगी, इससे क्या होगा जो एवरेज वोल्टेज है वो मेरी बढ़ जाएगी, एवरेज वोल्टेज की वैल्यू मेरी थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज एरिया अंडर वन पीरियड। पहले क्या था बताओ, अगर कैपेसिटर ना लगाता तो आउटपुट वोल्टेज मेरी इस तरह की थी, जरा देखिएगा विदाउट कैपेसिटर आउटपुट वोल्टेज मेरी ये थी, ऐसी वेव आ रखी थी। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो ये है, ये टाइम पीरियड है, बट जो एरिया अंडर वन पीरियड था वो ये वाला था सिर्फ। अब क्या होगा बताओ जरा, अब यहां से लेके यहां तक इसका पीरियड है, फिर से देखो यही जो ऊपर उठ रहा है यहां से शुरू हो रहा है फिर से, अब यहां तक जो एरिया देखोगे टोटल वो बढ़ गया है मेरा, तो एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी इससे इंक्रीज हो जाएगी, एवरेज आउटपुट वोल्टेज मेरी थोड़ी ज्यादा आएगी, ठीक है। लेकिन दो तीन पॉइंट अब यहां पे हमें देखने होंगे, यहां पे एक नाम होता है, एक चीज होती है रिपल वोल्टेज, रिपल वोल्टेज, अब वो क्या होती है पेन चेंज करता हूं, हाँ जी रिपल वोल्टेज, रिपल वोल्टेज उसको हम क्या बोलेंगे, वो क्या होती है रिपल वोल्टेज को मैं VRT से लिख रहा हूं, VRT, रिपल वोल्टेज VRT। अब ये क्या बनेगा जरा देखिए, इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो मैं ये कह सकता हूं, सुनिए कि ये जो ऊपर नीचे हो रहा ना,
तो कितना जो चेंज आ रहा है उसको हम रिपल बोलते हैं, जो बदलाव आ रहा है। जरा देखो ये वीएम लेवल है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे कितना डाउन है बता सकते हो? ये वीएम से कितना डाउन है। इस चेंज को जितना ये डाउन हुआ इसको बोलेंगे पीक टू पीक रिपल, पीक टू पीक रिपल, वीपीपीआर, पीक टू पीक रिपल। रिपल की मैक्सिमम वैल्यू है ये, पीक टू पीक वैल्यू है। आप बोलोगे सर रिपल देखें कैसे, किसके रेस्पेक्ट में देखे जाते? रिपल एक एवरेज के रेस्पेक्ट में देखेंगे, वो बताऊंगा मैं कैसे देखेंगे, वीआरटी कैसे प्लॉट करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको, उसकी वेवफॉर्म कैसी आएगी वो मैं बताऊंगा। बट इसको पहले समझिए ये क्या चीज होता है, ये जो मैक्सिमम डिफरेंस है ना ये वीएम के साथ, क्योंकि वीएम से ऊपर तो वोल्टेज गई नहीं, तो जो मैक्सिमम डिफरेंस है इसको हम बोलेंगे पीक टू पीक रिपल। रिपल की आप पीक टू पीक वैल्यू बोल सकते हो, मैक्सिमम से मिनिमम के बीच की वैल्यू बोल सकते हो आप, ठीक है? ये मेरी पीक टू पीक रिपल बनेगी। अब क्वेश्चन ये है, जरा देखिए डायोड जो कंडक्ट करेगा यहां पे, अगर हम ये सारी चीजें धीरे धीरे एनालिसिस करें एक एक चीज को, तो वो जरा देखिए, अगर मैं एक एक चीज को एनालाइज कराऊं, मुझे ये बताइए डायोड कितनी देर के लिए कंडक्ट करेगा? केवल इतने देर के लिए, बोलो भाई। अगर एक पीरियड में देखो तो केवल इतनी देर के लिए डायोड कंडक्ट करेगा, माइन्यूट टाइम है ये, बहुत ज्यादा कम टाइम है। आप बोलोगे सर ये कैसे कह सकते हो कि बहुत ज्यादा कम टाइम है? जनरली हमारी टेंडेंसी क्या होती है, हमारी टेंडेंसी होती है कि हम इसको ऊपर ही रखना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि ये डिके करे। हमें कॉन्स्टेंट डीसी चाहिए होती है, हमें कॉन्स्टेंट वोल्टेज चाहिए होती है आउटपुट पे। लेकिन आपका क्या हो रहा है बताओ, आपका तो ये नीचे आ रहा है, ठीक है? और आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो ये नीचे ना आए ज्यादा, रिपल पीक टू पीक रिपल आपकी क्या रहे, मिनिमम से मिनिमम रहे, ठीक है? अब ये कैसे करेंगे बताओ, कि आप चाहते हो कि मिनिमम पीक टू पीक रिपल रहे, ये कैसे देखेंगे? जरा देखिए दोस्तों, सोचिए अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास जो इक्वेशन है वो ये है, वीएम ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है? अगर मैं इस आरसी को बहुत ज्यादा लार्ज कर दूं, आरसी को वेरी लार्ज कर दूं, तो इन दैट केस ये वोल्टेज जो है ये बहुत कम हो जाएगी, डाउन जो आएगी बहुत, रिपीट टू पीक रिपल कम हो जाएगी, कहने का मतलब ये है, इसकी जो वैल्यू आएगी बहुत कम हो जाएगी। आप बोलोगे सर क्यों ऐसा कम हो जाएगा, जरा देखिए कैसे। अगर मैं इसको प्लॉट करके दिखाऊं आपको, तो ये कुछ इस तरह का प्लॉट होगा, जीरो से आगे प्लॉट कर रहा हूं, ये इस तरह का प्लॉट होगा, ये वीएम से स्टार्ट होगा, ठीक है? इसका टाइम कॉन्स्टेंट है आरसी। अब टाइम कॉन्स्टेंट को मैंने बढ़ा दिया, टाइम कॉन्स्टेंट बढ़ने का मतलब क्या होता है बताओ, 63% डाउन होने में जो टाइम लग रहा है अब वो ज्यादा हो गया, पहले टाइम इतना लग रहा था इसको 63% डाउन होने में, अब क्या हुआ मैंने आरसी की वैल्यू इंक्रीज कर दी, तो क्या होगा बताओ जरा, अब थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, सेम वैल्यू इतनी ही आने में अब जो ज्यादा टाइम लगेगा वो ये। इसका मतलब अगर मैं आरसी को बढ़ाऊंगा तो ये जो शेप है, जो डिके का जो जो जिस रेट से डिके कर रहा है, ये रेट ऑफ डिके क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। जितना मेरा आरसी बढ़ेगा उतना ये आराम से डिके करेगा, समझ आया भाई? आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो, सोचिए वीसीटी है, अगर मैं बोलूं किस रेट से मेरा वोल्टेज चेंज हो रहा है कैपेसिटर का, वीसीटी बोल दो या वी नोट टी बोल दो, एक ही बात है, ठीक है ना? क्योंकि जो कैपेसिटी वोल्टेज होगी वही तो आउटपुट वोल्टेज आएगी। तो अगर मैं ये देखूं कि किस रेट से मेरा वीसीटी जो है वो चेंज हो रहा है, अगर रेट ऑफ चेंज मैं देखना चाहूं तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा माइनस वीएम बाई आरसी ई टू द पावर माइनस टी ओवर आरसी। हम चाहते हैं बहुत स्लो रेट से चेंज हो, डिक्रीज नहीं होनी चाहिए एकदम से, तो इसका मतलब आपको आरसी को क्या करना पड़ेगा बताओ, बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट ये जो रेट ऑफ चेंज है इसका ये क्या हो जाए, कम से कम हो जाए, समझ आया? तो इसलिए हम आरसी की जो वैल्यू लेंगे वो बहुत ज्यादा लार्ज लेंगे, ठीक है? उसका फायदा हमें ये मिलेगा कि ये जो पीक टू पीक रिपल है ये कम हो जाएगी मेरी। लेकिन उसका एक और नुकसान भी है, उसका नुकसान क्या है सुनिए, सोचिए मैंने क्या किया, मैंने आरसी की वैल्यू काफी लार्ज कर दी और उससे जो ये जो डिके आ रहा है ये बहुत कम हो रहा है, ये इतना हो रहा है, एक बार जरा देखिएगा डायग्राम में, बाद में लिखना मैं आपको समय दूंगा। सोचिए मैंने आरसी की वैल्यू को बढ़ा दिया, आरसी की वैल्यू को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो ये डिके अब यहां तक होगा, इस पॉइंट के बाद फिर से कंडक्ट करेगा डायोड, और थोड़ा और अगर मैं बढ़ा दूंगा आरसी की वैल्यू को तो फिर क्या होगा बताओ जरा, सोचिए आरसी की थोड़ी मेरी और वैल्यू बढ़ा दी तो अब ये यहां तक डिके होगा। इससे ये होगा कि डायोड को जो कंडक्ट करने का जो टाइम है वो क्या मिलेगा बताओ, बहुत ही कम मिलेगा, डायोड का जो कंडक्शन टाइम है वो बहुत ही रिड्यूस, बहुत ही कम हो जाएगा। और इस केस में ऐसा हो सकता है कि डायोड जो है वो बर्नआउट भी हो जाए। आप बोलोगे क्यों सर, क्योंकि इतने से टाइम में डायोड को दो करंट सप्लाई करने, एक तो वो करंट जो कैपेसिटर ने कैपेसिटर को
जितना कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ है उसको वापिस से चार्ज करना है ना, वापिस से वीएम पे लाना है। देखो जैसे कंडक्ट करेगा कैपेसिटर की वोल्टेज वापिस से वीएम पे आएगी, इसका मतलब जितना कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ वो करंट देगा आपका डायोड, और एक और कौन सा देगा जो सप्लाई को मिलेगा वो भी डायोड देगा जब डायोड कंडक्ट करेगा, तब दोनों करंट देने पड़ेंगे। तो करंट जो है इसका पीकी हो जाएगा डायोड का। पीकी करंट कई बार डेंजरस होता है, ठीक है, डायोड का जो करंट है वो पीकी हो जाएगा और वो पीकी करंट जो है वो कई बार डेंजरस होता है, बट एनीवे आप उसको मत देखिए। लेकिन हमारी वेवफॉर्म अच्छी हो रही है इससे, ठीक है, हमारी वेवफॉर्म बहुत बढ़िया बन रही है। आप ये देखिए हमारी जो डिके जो हो रहा है, मतलब जो डीसी जो हमें मिलेगी वो अप्रोक्सीमेटली कॉन्स्टेंट ही मिल जाएगा जितना मेरा आरसी लार्ज होगा। हमारी टेंडेंसी यही होगी हम आरसी को लार्ज रखेंगे क्योंकि डायोड खराब होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के हमें क्या करना है, क्योंकि आप खुद सोचिए डायोड इतना जल्दी खराब नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आप देखिए ना, अगर आप आरसी को बढ़ाओगे तो बेसक डायोड को कंडक्ट करने का टाइम बहुत ही कम मिल रहा है, बहुत ही कम टाइम में उसको करंट सप्लाई करना है कैपेसिटर को भी और रजिस्टर को भी। लेकिन आप सोचिए ना, करंट कैपेसिटर डिस्चार्ज भी तो बहुत ही कम हुआ है, पहले केस में ज्यादा डिस्चार्ज हुआ था, अब इस केस में बताओ कैपेसिटर क्या हुआ है, कम डिस्चार्ज हुआ है। तो आप ये कह सकते हो कि भाई डायोड को कोई खतरा नहीं है, इस पॉइंट का ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। तो आप कोशिश ये रखिए कि जितना आरसी मेरा बढ़ सके उतना लार्ज रखा जाए। अब आप कोई स्केल तो होगा आरसी का कि आरसी को हम कितना लार्ज करें, आप मुझे बताइए ये जो टाइम है यहां से यहां तक अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम होगा, बताओ। एक पीक से दूसरे पीक तक का टाइम तो टाइम पीरियड हो गया, टी हो गया, यहां से लेके यहां तक का अगर मैं सेकंड में लिखना चाहूं तो बताओ कितना सेकंड है, ये बताओ टी सेकंड है, सही बात है ना, बोलो। तो ये जो टाइम होगा जितनी देर के लिए डायोड कंडक्ट करेगा उस टाइम को मैं डेल्टा टी मान लेता हूं, बोलो, इस टाइम को डेल्टा टी मान लेता हूं। तो बताओ ये जो जो जितनी देर के लिए कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है वो टाइम कितना बचा, फिर बताओ टी माइनस डेल्टा टी, टी माइनस डेल्टा टी टाइम जो है वो टाइम है जितनी देर में कैपेसिटर जो है वो अपना कंडक्ट करता है, कैपेसिटर का आप ये कह सकते हो कैपेसिटर डिस्चार्ज टाइम है ये, कैपेसिटर डिस्चार्ज इतनी देर में, इतनी देर तक कैपेसिटर अपना सप्लाई देता रहेगा, सही बात है ना भाई, बोलिए यहां तक सही है। अब आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि इतने टाइम में ये वैल्यू ज्यादा डिके ना करे बस, तो ये तभी डिके नहीं करेगी जब आरसी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बताओ। आपको अगर ये देखना हो कि कितना डिके करेगी इतने टाइम में, अगर ये देखना हो तो यहां पे वैल्यू क्या है बताओ, यहां पे है वैल्यू वीएम, और यहां पे क्या वैल्यू है, वीएम इंटू ई टू द पावर माइनस टी की जगह पे क्या पुट कर दो, ये वाला टाइम पुट कर दो, टी माइनस डेल्टा टी डिवाइड बाई आरसी, इन दोनों का डिफरेंस देख लो क्या बन जाएगा, सही बात है भाई। ये आपको ये वोल्टेज मिल जाएगी और ये वोल्टेज आप चाहते हो बहुत ही कम रहे, बहुत ही मिनिमम रहे, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आप चाह रहे हो वो भी अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर चाह रहे हो, बताओ अभी हम, ये डिके नहीं होना चाहिए, आप समझ रहे हो, वो तभी हो सकता है जब आरसी क्या हो, बताओ जरा, आरसी शुड बी मच मच ग्रेटर देन टी माइनस डेल्टा टी। और अगर मैं टी कॉमन ले लूं तो आप क्या बोल सकते हो, आरसी should be much much greater than t, मेरा कॉमन आ गया 1 माइनस डेल्टा t by t, और डेल्टा t by t की जो वैल्यू है वो 1 के कंपैरिजन में क्या है, नेग्लिजिबल है। तो आप बोल सकते हो RC should be much much greater than क्या होना चाहिए, t। अगर RC की वैल्यू मेरा जो टाइम पीरियड है उससे अगर ज्यादा अच्छी खासी लार्ज है तो आप ये बोल सकते हो क्या कि कैपेसिटर मेरा ज्यादा डिके नहीं करेगा, ज्यादा डिस्चार्ज नहीं होगा, वोल्टेज जो बनेगी मेरे पास वो अप्रोक्सीमेटली डीसी लेवल पे ही आ जाएगी, हालांकि एग्जैक्टली तो नहीं आएगी बट आप ये कह सकते हो कि मेरा बहुत अच्छा ये रहेगा, मतलब उसके लिए क्या करें, फिर इसके लिए सी बढ़ाओ या फिर आर बढ़ाओ या दोनों बढ़ाओ, ठीक है, ये दो तरीके हो सकते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से कैपेसिटर कंट्रोल कर रहा है आउटपुट वोल्टेज को, ठीक है, आरसी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी आरसी क्या होता है, मेरा टाइम कॉन्स्टेंट, इट शुड बी वेरी लार्ज, ठीक है, ये काफी लार्ज होना चाहिए भाई। हाँ जी, हाँ, मतलब ये वाला और ये वाला पीक टू पीक रिपल बोल रहा हूँ मैं, इसको पीक टू पीक रिपल बोल रहा हूँ। इसकी वैल्यू निकालते हैं क्या बनेगी, ठीक है, बोलिए दोस्तों, समझ है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसमें कुछ कैलकुलेशन करनी है हमने, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आरसी क्या होना चाहिए, आरसी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सो देट आपका जो है ना, मतलब ये डीसी थोड़ा अच्छा बन जाए। तो आरसी शुड बी मच मच ग्रेटर देन टी, जितना आरसी मेरा बड़ा होगा उतना ये डेल्टा टी छोटा होगा, क्योंकि उतना ही आराम से डीके करेगा ना, सोचिए जितना आरसी बड़ा होगा आराम से, तो डेल्टा टी क्या होता जाएगा, उतना ही छोटा होता चला जाएगा,
क्लियर है भाई, आगे बढ़ जाए, नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं इसके ऊपर। अब हमें कई सारी चीजें यहां पे निकालनी है, क्या क्या चीज कैलकुलेट करनी है वो जरा सुनिए। अब हमें यहां पे क्या क्या कैलकुलेट करना है उसको जरा देखते हैं, फटाफट नोट कर लीजिए। मैं रब कर दूं, जल्दी नोट करो भाई, ये लाइट ऑफ करनी पड़ेगी भाई, ग्लेयर आ रहा है। वो पिछला स्विच ऑफ करो, वो भी ऑफ करो। उधर वाला स्विच करना, उधर वाला, ये कॉर्नर वाला मत कर दो। हाँ 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 हाँ, वो पीछे भाई, वो बाहर से होगा। हाँ जी, उससे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है। लाइट जब ये यहाँ पे ज़्यादा होती है ना, तब दिक्कत नहीं आती। हाँ जी, देखे भाई, लिख लिया, बोले भाई, नोट डाउन कर लिया, जल्दी करो यार। सर कांस्टेंट की कमी है तो रेजिस्टेंस हटा दीजिए, कांस्टेंट कमी है तो नहीं, रेजिस्टेंस हटा दिया तो फिर क्या फायदा, फिर तो सी अकेले को थोड़ी ना हम यूज करते हैं हर टाइम, हमें कोई ना कोई लोड तो लगाना पड़ेगा ना भाई, आर तो होना चाहिए ना। ठीक है, बिना आर के फिर क्या फायदा, आर ज्यादा बढ़ाने से लॉसेज भी होगा, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, आर मेनली हम सी को ही चेंज करते हैं, वैसे आर तो हमारा लोड डिसाइड करता है, जो आप लोड लगाना चाहते हो उसका इनपुट रेजिस्टेंस होता है। हम मेनली सी को चेंज करते हैं, मेनली सी को हम ज्यादा लार्ज लेके चलते हैं इसमें। ठीक है ना। हाँ जी भाई, नोट कर लिया भाई, आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ पे दो तीन चीजें हैं जिन पे हमें फोकस करना है। कौन कौन सी चीजें, तो मैंने आपको सबसे पहले तो बताया आर सी को हम काफी लार्ज रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तीन चार चीजें हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा, सुनिए क्या क्या। एक तो हमें निकालना है ये डेल्टा टी क्या होगा, कंडक्शन टाइम। सबसे पहला हमें अपने को देखना है कंडक्शन टाइम ऑफ डायोड क्या होगा, कंडक्शन टाइम डेल्टा टी अपने को ये निकालना है कि डेल्टा टी जो है ये कितना होगा। दूसरा जो अपने को निकालना है वो है, वो अपने को देखना है पीक टू पीक रिपल की वैल्यू क्या होगी, पीक टू पीक रिपल मतलब ये डिफरेंस जो है ये कितना होगा, ये मुझे निकालना है। तीसरा देखिए एवरेज डायोड करंट निकालना है कि डायोड में एवरेज करंट क्या आएगा, एवरेज डायोड करंट ये अपने को बताना है, और कोशिश करेंगे मैक्सिमम डायोड करंट भी हम लोग निकालें। हाँ, मैक्सिमम डायोड करंट ये भी अपने को निकालना है। फॉर्मूला मत रट्टा मारिएगा, कंसेप्ट को समझिएगा भाई। तो ये कई सारी चीजें हैं जो अपने को कैलकुलेट करनी है दोस्तों, ये तीन चार चीजें हैं, इनको जरा देखते हैं कि कैसे कैसे हम इनको निकालते हैं। चलिए एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले कंडक्शन टाइम ऑफ डायोड देखते हैं, डेल्टा टी टाइम क्या बनेगा वो जरा देखते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ये जो कई सारी वेवफॉर्म है इनको नहीं लेता हूं, मैं एक ही वेवफॉर्म को लेता हूं। ठीक है, मैं इसको एक बार रब कर देता हूं सो दैट मैं इसको प्रॉपरली दिखा सकूं आपको। तो अब जरा देखते हैं डेल्टा टी कैसे निकाले, कंडक्शन टाइम ऑफ डायोड कैसे निकाले, और पीक टू पीक रिपल कैसे निकाले, एवरेज डायोड करंट ये सब जो है ना ये कैसे कैलकुलेट करें उनको जरा देखिए दोस्तों। तो ये मैं एक बार वेवफॉर्म बना देता हूं मेरी, ये लीजिए, और यहां पे रेड पेन से मैं कैपेसिटर की वोल्टेज भी दिखा देता हूं। ये लीजिए दोस्तों, ठीक है। अब सुनिए, ये जो मेरा इंटरवल है ये क्या है बताओ, ये डेल्टा टी, ये डायोड कंडक्ट करेगा इतनी देर में, और यहां से लेके यहां तक डायोड ऑफ रहेगा, फिर ये आगे डायोड ऑफ रहेगा। ठीक है, अगर सोचिए मैं इस इंस्टेंट को जीरो इंस्टेंट मान लूं एक मिनट के लिए, सोचिए मैंने टी इक्वल टू जीरो ले लिया यहां पे, एक मिनट पे। हाँ जी, सोचिए मैंने टी इक्वल टू जीरो ले लिया इस इंस्टेंट पे, तो ये जो मेरी वेवफॉर्म बनेगी ये बनेगी वीएम ई टू द पावर माइनस टी ओवर आरसी। ठीक है भाई, किसी को एतराज तो नहीं है, और ये इंटरवल है डेल्टा टी, मुझे इस डेल्टा टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखिएगा कैसे कैलकुलेट करें, आप मुझे बता सकते हो यहां तक जो टाइम है यहां से लेके यहां तक का ये कितना टाइम है बताओ, यहां तक वाला जो टाइम है
पूरा तो कैपिटल टी है, पूरा टाइम तो कैपिटल टी है, तो ये जो टाइम होगा ये क्या होगा, ये होगा टी माइनस डेल्टा टी। तो अगर मैं ये पुट कर दूं, कौन सी वैल्यू, वी एम ई टू दी पावर माइनस टी की जगह पे टी माइनस डेल्टा टी ओवर आर सी, ये पुट कर सकता हूं मैं, किसी को एतराज तो नहीं है। तो यहां वाली वोल्टेज मुझे पता चल जाएगी, बोलिए कोई दिक्कत है तो, करेक्ट। एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू, अगर मैं ये वेव को देखूं ध्यान से, ये जो वेव है ये कौन सी वेव है, कोसाइन वेव नहीं है। अगर मैं ओरिजिन यहां पे मान लूं तो, अगर मैं ओरिजिन यहां पे मान लूं तो एक कोसाइन वेव नहीं है क्या, बताओ ना, कोसाइन वेव है तो, और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, वीएम कोस ऑफ ओमेगा। अब सोचिए मैं ये पीछे आ रहा हूं यहां से, ये ओरिजिन मान ले रहा हूं कोसाइन वेव का, यहां पे मैं ओरिजिन मान लेता हूं, कितना पीछे आ रहा हूं बताओ, डेल्टा टी पीछे आ रहा हूं। तो अगर मैं पुट कर दूं माइनस डेल्टा टी, टी की जगह पे माइनस डेल्टा टी पुट कर दूं, तो इसके बराबर ही होगी ये वैल्यू भाई। इसकी हाइट हमने निकाल ली, यहां पे क्या हाइट है, ये यहां पे हाइट थी वी एम, हमने उसके अंदर ये पुट कर दिया, तो यहां पे हाइट पता चल गई मुझे, ये हाइट पता चल गया, ये वाली हाइट, ये हाइट आ गई है, ये टाइम के इंडिपेंडेंट है, ध्यान देना, इसमें टी की वैल्यू पुट हो चुकी है, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है। अब यही हाइट अगर मैं इधर से देखना चाहूं, सोचिए यहां पे अगर मैं ओरिजिन मान लूं, तो ये मेरी कोसाइन वेव बन जाएगी, और उस कोसाइन वेव में टी की जगह पे क्या पुट कर दूं, माइनस डेल्टा टी, तो बराबर ही वैल्यू आएगी, बोलिए सही है भाई, कोई दिक्कत है तो बताओ, यहां तक आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब जरा देखिए, वीएम से वीएम मेरा कट जाएगा, क्या कहते हो, वीएम से वीएम मेरा कट जाएगा, इधर क्या बनेगा, ई टू द पावर माइनस टी माइनस डेल्टा टी अपॉन आर सी, और इधर है मेरे पास कोस ऑफ ओमेगा डेल्टा टी। एक बार देख लीजिए, किसी को कोई एतराज हो तो बताइए भाई। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं ई टू द पावर माइनस टी ओवर आर सी इंटू ई टू द पावर माइनस डेल्टा टी ओवर आर सी, करेक्ट है भाई, देख लो एक बार। एंड दिस विल बी इक्वल टू, ये डेल्टा टी वेरी स्मॉल है दोस्तों, याद रखिए डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, वन माइनस ओमेगा डेल्टा टी, इसको एक्सपेंड कर देता हूं ना मैं, स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, एक बार देख लो भाई, कोस को एक्सपेंड करेंगे तो यही बनेगा क्या, एक बार देखो, सही लिखा है, एक बार देख लो भाई, क्लियर है, कुछ इस तरह का बन जाएगा, एक बार देख लीजिए भाई, किसी को डाउट है तो पूछिए। आगे बढ़ सकते हैं, मुझे निकालना है डेल्टा टी की वैल्यू। अब कैसे डेल्टा टी की वैल्यू निकाले, आगे वाली भी टर्म आएंगी अब, बट वो नेग्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है, उनको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। अब आप बताइए मैं कैसे करूं, इसको कैसे सोल्व करूं आगे, बोलिए, है जी, इसको भी एक्सपेंड कर लेते हैं, डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, ठीक है, डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, तो या फिर यहां से ये भी तो वेरी स्मॉल है, आर सी इज मच मच ग्रेटर देन टी। आप यहां से ये बोल सकते हो कि ये तो अप्रोक्सीमेटली जीरो ही हो गया, क्यों, क्योंकि आर सी एक तो बहुत बड़ा लार्ज है और डेल्टा टी बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो आप यहां से इसको तो आप हटा ही सकते हो, बोलिए भाई, किसी को एतराज है तो बताइए, इसको तो आप हटा ही सकते हो, और ये जो है इसको मैं लिख सकता हूं वन माइनस टी बाई आर सी, अप्रोक्सीमेटली मैं ये लिख सकता हूं, और ये बन गया ई की पावर जीरो, ई की पावर जीरो इज वन, सही है भाई, एक बार देख लो कोई दिक्कत है तो, करेक्ट है, बोलिए क्या कह रहे हो, पावर में मिस्टेक हो गया, अच्छा यहां पे प्लस आएगा, बोलिए भाई यहां पे प्लस आएगा, सेकंड टर्म पॉजिटिव बनेगी भाई, बोलो, ऐसे नहीं है, हाँ जी, तो ये तो खैर नेग्लेक्ट ही कर दी मैंने, क्यों नेग्लेक्ट कर दी बताओ, एक तो आर सी बहुत ज्यादा लार्ज है और डेल्टा डी बहुत ज्यादा स्मॉल है, डेल्टा डी इसलिए स्मॉल है बिकॉज ये बिल्कुल ही नजदीक पे आ गया, और इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको अप्रोक्सीमेट ऐसे लिख सकता हूं वन माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स, एक्स अगर वेरी स्मॉल है तो वन माइनस एक्स से अप्रोक्सीमेट कर दिया मैंने, और इधर क्या बन गया, इधर बन गया वन माइनस ओमेगा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर अपॉन टू, वन से वन अगेन कट गया, ठीक है भाई, तो आप बताइए डेल्टा टी की वैल्यू क्या बनी यहां पे, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो बन जाएगा टू टी अपॉन आर सी, टू टी अपॉन आर सी का रूट ले लेता हूं, और यहां पे क्या आ जाता है वन अपॉन ओमेगा, एक बार देख लीजिए भाई, दिस इज डेल्टा टी, ये मेरा है कंडक्शन टाइम ऑफ डायोड, बोलिए भाई एक बार लिख लीजिए, दिस इज कंडक्शन टाइम ऑफ डायोड, डायोड जो है ये इतनी देर के लिए कंडक्ट करेगा, और आरसी जो है बहुत बड़ा है टी से, ध्यान देना, तो बहुत छोटा टाइम आएगा ये बहुत छोटा टाइम आएगा अभी, इसको नोट कर लीजिएगा,
ये बहुत छोटा टाइम आएगा, नोट कर लीजिएगा। डेल्टा टी मुझे पता चल गया कि डेल्टा टी जो आएगा वो कितना आएगा, एक बार इस पॉइंट को नोट कर लीजिए भाई। इसके ऊपर लौट के आएंगे अभी हम, ठीक है, इसके ऊपर लौट के आना है। नोट कर लीजिए भाई इसको, आगे बढ़ जाए, नोट कर लिया। चलिए अब एक स्टेप और आगे चलते हैं भाई। अब निकालते हैं पीक टू पीक रिपल, ये निकालते हैं पीक टू पीक रिपल क्या होगी, ये जो गैप है ये निकालते हैं, ये कितना होगा ये जरा देखते हैं। तो ये कैसे देखोगे दोस्तों, बस कुछ नहीं करना, जो वीएम है उसमें से माइनस कर दो ये वाली वोल्टेज, नहीं बोलिए तो बताइए, वीएम माइनस, वीएम में से माइनस कर देते हैं कौन सी वोल्टेज, यहां पे जो वोल्टेज है, और यहां पे क्या वोल्टेज है बताओ जरा, यहां पे है वीएम ई टू द पावर टी माइनस डेल्टा टी अपॉन आरसी, बोलिए भाई सही है। इसको मैं बोल देता हूं पीक टू पीक रिपल, वी पी पी आर, पीक टू पीक रिपल, ठीक है, या सिंपली आप कुछ बुक्स इसको रिपल वोल्टेज भी बोल देते हैं, कि रिपल की रिपल वोल्टेज है मेरे पास। तो जरा देखिए इसको मैं कैसे लिखूंगा, वीएम को मैं ले लेता हूं वन माइनस, बोलिए क्या बना ये, ई टू दी पावर, यहां पे माइनस आएगा, ई टू दावर माइनस टी बाई आर सी इन टू ई टू दी पावर क्या बन जाएगा, डेल्टा टी बाई आर सी, बोलिए भाई सही लिखा है क्या, बता दो। और ये तो नेग्लिजिबल है, ई की पावर जीरो के इक्विवेलेंट है, ये तो वन ही बन गया, ये क्या बना बताओ जरा, ये बन गया वीएम इंटू वन माइनस, इसकी वाली देखिए वन माइनस टी अपॉन आर सी लिख दूं। देखो e टू द पावर x क्या होता है यार, e टू द पावर x होता है 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, टेलर सीरीज एक्सपेंशन पढ़ा होगा आप लोगों ने, जीरो के अबाउट, ओरिजिन के अबाउट, ये होता है। अगर मैं बोलूं इफ x इज वेरी स्मॉल, इफ x इज मच मच लेस देन 1, तो ये स्क्वायर वाली क्यूब वाली टर्म कंपेयर टू x बहुत छोटी हो जाएंगी, अप्रोक्सीमेटली क्या बन जाएगा बता दे, 1 प्लस x। तो यहां पे देखो ये x की जगह पे माइनस टी बाई आर सी है, और आर सी बहुत बड़ा है टी से, तो इसका मतलब ई की पावर, इसको एक्स मान लो, और एक्स इज वेरी स्मॉल, ई की पावर एक्स मान लो ना यार, और एक्स की जगह पे क्या है टी बाई आर सी, तो वो बहुत स्मॉल है, समझ रहे हो, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया वन प्लस एक्स, और एक्स की जगह पे माइनस टी बाई आर सी है, देखिए एक्स की जगह पे माइनस टी बाई आर सी पुट कर दो, बोलिए समझ आएगा आपको, ठीक है, ये बन गया दोस्तों। और वन से वन कट जाएगा मेरा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा वीएम टी बाई आर सी, मजे आ गए दोस्तों, ये बन गया मेरा पीक टू पीक रिपल, ये डिफरेंस आ गया दोस्तों, ये मेरा पीक टू पीक रिपल आ गया। वी आर लिख देता हूं मैं इसको, वी आर लिखना वैसे ठीक नहीं है, वी आर थोड़ा अलग चीज होती है, बट चलो या पीक टू पीक रिपल ही लिखते तो अच्छा रहता, या लिख दो वी आर, अरे कोई बात नहीं वी आर लिख दो, ठीक है, दिस इज वी आर, लगे वी आर में किसी और को बोलना चाह रहा था, दिस इज रिपल वोल्टेज, उसकी पीक टू पीक वैल्यू है, ये डिफरेंस है, आप ये कह सकते हो। आप बोलोगे सर इसको पीक टू पीक क्यों बोल रहे हो, अभी पता चलेगा, मैं VRT प्लॉट करूंगा टाइम के साथ, रिपल वोल्टेज कैसे बदल रही है उसको प्लॉट करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि वो क्या है, मतलब मैं पीक टू पीक क्यों बोल रहा हूं इसको, ठीक है भाई, ये समझ आया आपको, ये रिपल वोल्टेज आ गई मेरी, ये मैक्सिमम वैल्यू आई है। अब जरा देखिए जो डेल्टा टी था, क्यों ना मैं इसको भी इसकी टर्म में लिखूं, कैसे लिखेंगे डेल्टा टी को इसकी टर्म में, जरा देखिए, एक काम करता हूं मैं इसको ऐसे लिखता हूं, वन बाई ओमेगा रूट ऑफ 2t by RC, ऊपर नीचे Vm से मल्टीप्लाई कर देता हूं, बोलो किसी को एतराज है तो, किसी को एतराज तो नहीं है। अब देखो ध्यान से, Vmt by RC है, और यहां पे Vmt by RC को मैंने क्या लिखा हुआ है VR, तो मैं क्या लिख दूं इसको बताओ जरा, 1 by omega root of, बोलिए 2 times of Vmt by RC को क्या लिख दिया मैंने, VR upon Vm, ये बन गया दोस्तों रिपल वोल्टेज डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है, ये क्या बन गया डेल्टा टी कंडक्शन टाइम। इसको फॉर्मूलों को मत याद कीजिएगा, ये किसी काम के नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको कुछ प्रोसेस सिखा रहा हूं जो हर क्वेश्चन में हम ऐसे ही करेंगे। अगर ये ट्रेंगुलर वेव आ गई सोचिए, तो ये सारे फॉर्मूले धराशाई हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे, ठीक है, तो इसलिए आप बस प्रोसेस सीखिए कि प्रोसेस करना कैसे, मुझे सोल्व कैसे करना है चीजों को, तो बस आप वो सीखिए, ये और किसी काम के नहीं है बस, ठीक है ना, इनको इस तरह से ही लेके चलिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों।
तो मुझे पता चल गया कि डेल्टा टी जो आएगा वो क्या आएगा, ठीक है, कंडक्शन टाइम ऑफ डायोड जो है वो क्या बनेगा, ठीक है, और ये पीक टू पीक रिपल क्या आएगी, दो चीजें हमने निकाल दी दोस्तों, ठीक है ना। अब आते हैं एवरेज डायोड करंट एंड मैक्सिमम डायोड करंट। अब हमें दो चीजें और देखनी है, एवरेज डायोड करंट क्या आएगा और मैक्सिमम डायोड करंट जो है वो क्या आएगा, नोट कर लीजिएगा अभी पहले इसको, इसको नोट कीजिए अभी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। है जी, वे फॉर्म चेंज होगी तो सब कुछ बदल जाएगा, मेन तो वे फॉर्म है यहां पे। अब आप देखिएगा ट्रेंगुलर वे फॉर्म भी लेके देखेंगे, उसमें देखते हैं क्या बनता है, ठीक है, तो ट्रेंगुलर में भी पढ़ेंगे, ठीक है भाई, एक बार देख लीजिए। इफ आर सी ज्यादा लार्ज नहीं है, मींस अगर लोड बहुत हैवी है तो डेल्टा टी को वेरी स्मॉल अज्यूम नहीं कर सकते ना, बिल्कुल नहीं कर सकते हो भाई। अगर आपका आर सी वेरी लार्ज नहीं है तो डेल्टा टी को आप स्मॉल अज्यूम नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो वहां पर भी दिक्कत आएगी। इसका मतलब ये केवल वहीं के लिए वैलिड है जहां पे आर सी जो है वो मच मच ग्रेटर देन टी है। हाँ जी, बिल्कुल, ये सारे एक्सप्रेशन बदल जाएंगे उस केस में, सब कुछ ही बदल जाएगा, ये अप्रोक्सीमेट जो हमने किया है वो सब चेंज हो जाएंगे हमारे। ये अप्रोक्सीमेशन तब, जैसे कोस का डेल्टा, कोस का हमने अप्रोक्सीमेशन लगाया, कोस का क्या लगाया बताओ, कोस एक्स क्या होता है, सुनिए, ये होता है दोस्तों, कोस की जो टेलर एक्सपेंशन होता है वो ये होता है। अब एक्स अगर वेरी स्मॉल है तो आप इनको नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो हमने यही तो किया, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल कर दिया। वो हमने तभी किया क्योंकि डेल्टा टी वेरी स्मॉल था, तो ओमेगा डेल्टा टी भी वेरी स्मॉल आएगा, सही है, क्लियर है, ध्यान दीजिएगा, मैं रब कर दूं भाई। हाँ जी, ऐसे ही लिख दिया बस, कि इनका रेशियो जो होता है ना उनकी टर्म्स में, हमने फैक्टर उस टर्म में देख लेते हैं हम लोग, और कोई कारण नहीं है इसका, ठीक है, बोलिए मैं रब कर दूं, इसको रब कर दूं, नेक्स्ट जरा देखिएगा। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमारी ये डेल्टा टी आएगा किस तरह। अब एक काम करते हैं, अब मुझे निकालना है एवरेज आउटपुट वोल्टेज। एवरेज आउटपुट वोल्टेज कैसे निकाले, पहले एक बार ये निकाल लेते हैं एवरेज आउटपुट वोल्टेज, उसके बाद डायोड का एवरेज करंट निकालेंगे, ठीक है। मैं रब कर रहा हूं भाई इसको, अगर मैं ये बोलूं कि डेल्टा टी मेरा वेरी स्मॉल है, तो देखिए एक और अप्रोक्सीमेशन मैं ले सकता हूं, एक और बढ़िया अप्रोक्सीमेशन ले सकता हूं, जरा देखिए कैसे। अगर मैं बोलूं कि मेरा डेल्टा टी जो है वेरी स्मॉल है, तो मैं इसको, क्योंकि आरसी मेरा मच मच लार्ज हो जाएगा, इसका मतलब अगर आरसी मेरा मच मच लार्ज है तो ये जो एक्सपोनेंशियली डिके किया है, असल में मुझे एक्सपोनेंशियली नजर नहीं आएगी, स्ट्रेट लाइन टाइप नजर आएगी, बिकॉज ये डिके कर ही नहीं रहा ज्यादा, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहां पे एक अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूं कि ये मेरी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी मेरी एक स्ट्रेट लाइन है, मैंने इस तरह का अप्रोक्सीमेशन ले लिया, ठीक है। एक बार जरा देखिए, मैं दोबारा से बना देता हूं इसको, एक बार दोबारा से बनाता हूं, जरा देखिएगा, ये पॉइंट आप समझते जाना भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मेरी इनपुट थी और जो आउटपुट बनेगी वो ये बनेगी, ये मेरी आउटपुट है, सोचा। तो मैंने यहां पे क्या अप्रोक्सीमेशन ले लिया, मैंने बोला कि आरसी क्योंकि वेरी लार्ज है तो रेट ऑफ डिके बहुत कम रहेगा, रहेगा लेकिन कम रहेगा, ये टाइम बहुत स्मॉल है, तो ये इसको आप कैसे बिहेव कर सकते हो, एक स्ट्रेट लाइन की तरह आप इसको ले सकते हो, ठीक है, और इसको भी आप एक स्ट्रेट लाइन की तरह अज्यूम कर सकते हो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है भाई, ऐसे दो स्ट्रेट लाइन है भाई। अच्छा, ये जो डिफरेंस है ये मुझे पहले ही पता चल चुका है, डिफरेंस कितना है, वी आर, ठीक है। अब और यहां पे जो वैल्यू है वो है वेरी वीएम, अब देखिएगा ध्यान से, ये है वीएम और ये जो है ये है वीएम माइनस वीआर, क्योंकि ये वीआर है ना, बोलो। अब मुझे इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है आउटपुट की, तो एक काम करते हैं, एरिया अंडर वन पीरियड डिवाइड बाई टाइम पीरियड, ये निकालते हैं एवरेज का, तो यही फॉर्मूला होता है। तो यहां से लेके मैं यहां तक का टाइम ले लेता हूं, बताओ किसी को ऐतराज है तो, कोई ऐतराज तो नहीं है भाई किसी को, बता दो, यहां से लेके यहां तक का एक पीरियड ले लेता हूं। अब इसका एरिया निकालते हैं, टोटल एरिया अंडर वन पीरियड डिवाइड बाय टाइम पीरियड करना है अपने को, तो एरिया निकालते हैं। एक बात बताइए, ये जो हाइट है ये कितनी है बताओ, ये नीचे वाली हाइट वीएम माइनस वीआर, अगर मैं पूरी लेंथ ले लूं यहां से लेके यहां तक की, तो ये लेंथ क्या बनेगी, ये तो टी लेंथ बनेगी पूरी,
तो बताओ सबसे पहले ये जो एरिया बनेगा, ये नीचे वाला एरिया, ये एरिया क्या बनेगा? ये बनेगा टी इंटू वी एम माइनस वी आर, जो वी आर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। वी आर क्या? पीक टू पीक रिपल। वी एम माइनस वी आर अपॉन, मतलब नहीं, ये तो एरिया आ गया ना, यहां तक का एरिया आ गया, टी इंटू वी एम माइनस वी आर प्लस इसमें और भी तो एरिया आएंगे। ये एरिया बताइए, ऊपर वाला एरिया क्या बनेगा? ये जो एरिया है, ये जो ट्रेंगुलर शेप है, इसका एरिया बताओ। ये हाइट बताओ कितनी है पहले, ये हाइट है वी आर इन वन बाई टू इंटू वी आर, और ये लेंथ कितनी है बताओ, टी माइनस डेल्टा टी, ये भी लेंथ आ गई। अब आप बताइए ये एरिया कितना आएगा, इधर वाला एरिया प्लस वन बाई टू इंटू वी आर इंटू डेल्टा टी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये है वन बाई टू वी आर डेल्टा टी माइनस का, और यहां पे है वन बाई टू डेल्टा टी वी आर प्लस का, ये है ना, ये कट जाएगा इसके साथ, सही बात है। तो आप बताओ टोटल एरिया क्या बना, टी मैं कॉमन ले लेता हूं, वी एम माइनस वी आर बाई टू, बोलिए दोस्तों सही बात है ना, टी मैंने कॉमन ले लिया, वी एम यू का ही हो गया, ये माइनस वी आर है और ये वी आर बाई टू है, बोलिए दोस्तों, और ये प्लस का है वी आर बाई टू। ये मेरे पास क्या आ गया, टोटल एरिया डिवाइड बाई क्या कर देता हूं बताओ जरा, मुझे अब एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो ये तो टोटल एरिया हो गया, डिवाइड बाई टाइम पीरियड और कर देता हूं। तो आप बताओ जो एवरेज वोल्टेज आई है वो क्या बनी है, वो बनी है वी एम माइनस वी आर बाई टू, और वी आर की वैल्यू ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं, वी आर की वैल्यू क्या आई थी बताओ, रिपल वोल्टेज, बोलिए वन बाई टू है जी, बताओ क्या बने, वी एम टी बाई आर सी। तो वीएम को मैं कॉमन ले लेता हूं, है जी, बोलो बोलो सही है, वीएम को कॉमन ले लेता हूं, ये बन जाएगा वन माइनस टी बाई टू आर सी, दिस इज अप्रोक्सीमेट एवरेज आउटपुट वोल्टेज। ये मेरे पास एवरेज आउटपुट वोल्टेज आई है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, ये मेरे पास एवरेज आउटपुट वोल्टेज आई है। अब सुनिए मुझे एक बात बताइए, ये जो आउटपुट वोल्टेज है यही तो कैपेसिटर की वोल्टेज है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कैसी होगी, पीरियोडिक हुई कि नहीं हुई, पहले ये बताओ, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कैसी हुई बताओ, पीरियोडिक हुई कि नहीं हुई। और जब भी कैपेसिटर के अक्रॉस पीरियोडिक वोल्टेज होती है तो उसका जो एवरेज करंट होता है वो क्या होता है बताओ, कैपेसिटर का जो एवरेज करंट आएगा वो क्या आएगा, आईसीटी एवरेज, एवरेज कैपेसिटर करंट मस्ट बी जीरो, हमेशा याद रखिएगा ये जीरो आएगा, क्यों जीरो आएगा, इसमें कोई डीसी करंट नहीं आएगा, एवरेज करंट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कैसी है, पीरियोडिक। और ये मैं आपको बेसिक में समझा चुका हूं, नेटवर्क थ्योरी में समझाया था कि जब भी कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है अगर वो पीरियोडिक हो जाए तो एवरेज करंट जो होता है उसमें क्या होता है, जीरो। तो अब आप बताइए रजिस्टर का एवरेज करंट क्या आएगा, आई आर टी एवरेज क्या बनेगा, आई आर टी एवरेज जो बनेगा वो बनेगा आउटपुट एवरेज करंट, आउटपुट एवरेज वोल्टेज डिवाइड बाय आर, तो एवरेज करंट क्या होता है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय आर कर दो, और एवरेज आउटपुट वोल्टेज हमारे पास आ गई है, एवरेज आउटपुट ही तो निकाला, आउटपुट का ही तो एवरेज निकाला आपने ये, तो बताओ एवरेज रजिस्टर करंट क्या बनेगा बताओ, वी एम बाई आर इंटू वन माइनस टी बाई आर सी, बोलिए दोस्तों है जी, टू आर सी। एक बार देख लीजिए भाई, किसी को ऐतराज है, कोई परेशानी, कोई डाउट है पूछे भाई। ये मेरे पास क्या आ गया, एवरेज रजिस्टर का करंट, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ जरा, ये आईसीटी और ये आईआरटी मिलके ही तो डायोड करंट आएगा, बोलो भाई। आप ये कह सकते हो केसीएल अगर मैं लगाऊं तो आप बोल सकते हो आईडीटी विल बी इक्वल टू आईसीटी प्लस आईआरटी, बोलिए। तो अगर मैं इसकी एवरेज निकालूंगा, इसकी जो एवरेज वैल्यू होगी दैट मस्ट बी इक्वल टू, बोलो क्या होगी, आईसीटी एवरेज प्लस आईआरटी एवरेज, बोलिए ना, मैं ऐसे लिख सकता हूं बताओ, अरे बोल दो भाई। अब आईसीटी एवरेज तो जीरो होता है, तो आप बताओ डायोड का जो एवरेज करंट आएगा वो क्या आएगा, रजिस्टर के एवरेज करंट के बराबर आ जाएगा, और रजिस्टर का एवरेज करंट हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितना है बताइए, तो इसकी वैल्यू क्या बन गई है, वीएम बाई आर इंटू वन माइनस
बाई टू आर सी, ये बन जाएगा दोस्तों, ये अप्रोक्सीमेट आंसर आया हमारे पास। ठीक है, अगर मैं लीनियर अप्रोक्सीमेशन ले लूं तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा आपकी जो बुक है सेड्रा स्मिथ उसमें आंसर थोड़ा डिफरेंट है, एवरेज डायोड करंट का आंसर थोड़ा डिफरेंट दिया हुआ है, वो अलग अप्रोक्सीमेशन लेके निकाला है उसने। मैंने यहां पे कौन सा अप्रोक्सीमेशन लिया, लीनियर अप्रोक्सीमेशन यूज किया। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिएगा अभी कि क्या बनेगा मेरा, इसको नोट कर लीजिएगा, एवरेज डायोड करंट कुछ इस तरह का बनेगा मेरा। तो मैंने यहां पे लीनियर अप्रोक्सीमेशन यूज किया, मतलब जो जो असल में जो वेव थी असल में कोसाइन वेव थी, वो काम मैंने नहीं किया, तो उसकी हेल्प से मैंने निकाला है। नोट कर लीजिएगा अभी इसको, आगे बढ़ जाए भाई, बोलिए जल्दी नोट कीजिए भाई। आपकी बुक में एक्सप्रेशन थोड़ा अलग है भाई, ठीक है, वो थोड़ा अलग है, नहीं उससे थोड़ा सा डिफरेंट आंसर आ रहा है उसमें, उसमें अप्रोक्सीमेशन थोड़ा उसने लिया नहीं है, वो थोड़ा अलग आंसर है, थोड़ा बहुत एरर आएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। मैं आपको बताता हूं क्या आंसर दिया हुआ है आपकी बुक में, क्या दिया हुआ है आपकी बुक में, जो डायोड एवरेज डायोड करंट लिया हुआ है वो लिया हुआ है Vm by R, Vm by R into 1 plus pi root of 2 times of Vm by Vr, ये लिया हुआ आंसर, ये एवरेज डायोड करंट लिखा हुआ है। आप चाहो तो मैं इसको भी डिराइव करा सकता हूँ, एग्जाम में मेनली आप ये यूज करोगे तो ठीक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप यूज कर सकते हो, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आपकी बुक में थोड़ा अलग दिया हुआ है, हालांकि उसका भी उसको भी आप प्रूव कर सकते हो, अगर आप चाहें तो मैं आपको प्रूफ करवा देता हूं। ठीक है, उसमें थोड़ा अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया है, ठीक है, उसमें कैपेसिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला है, कैपेसिटर के रेफरेंस से निकाला है, बट एनीवे मैं इसको इस तरह से कर रहा हूं भाई, ये ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, दिस इज करेक्ट, और इससे आंसर भी ठीक आएंगे देखना। ठीक, आगे बढ़ जाए भाई, सेंट्रा में दिया है, मतलब मैंने अपना डेरिवेशन सोल्व कर रखा है मैंने अपना। ठीक है, तो मैं उसके हिसाब से आपको भेज देता हूँ जो सेड्रा का जो उन्होंने किया हुआ है, सेड्रा ने जो डेरिवेशन है वो मतलब उन्होंने पूरी तरह से नहीं दिया है, बट मैंने अपना लिख लिया है, मैं आपको मेरी फ़ोटो भेज दूंगा इसकी, इसका जो प्रूफ है वो मैंने अपनी तरफ से कर दिया है उसको, तो वो मैं आपको भेज दूंगा, उसके हिसाब से आप देख सकते हो। ठीक है, तो सुनिए भाई, ये मेरे पास एवरेज डायोड करंट आएगा, आगे बढ़ जाए, फटाफट लिखो भाई, फटाफट लिखिए, अब आते हैं मैक्सिमम डायोड करंट पे, कि मैक्सिमम डायोड करंट कब आएगा वो भी जरा देख लेते हैं, नोट कीजिएगा अभी, लेकिन मैक्सिमम डायोड करंट पढ़ने से पहले एक चीज और मैं बताता हूं आपको, लिख लिया सब लोगों ने, मुझे एक बात आइए, अगर मैं एवरेज को दिखाऊं यहां पे एक अलग कलर से दिखाता हूं, जरा देखिए, ये है वीएम माइनस वीआर बाय टू, यही है ना आउटपुट एवरेज, वीएम माइनस वीआर बाय टू, तो वीएम माइनस वीएम ये है और वीआर ये है, ये हाइट है वीआर, तो वीएम में से इस हाइट का आधा माइनस कर दो बस, देखो ये लाइन, ये लाइन नहीं बन जाएगी क्या भाई, ये पूरी हाइट क्या होती है बताओ, ये यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है वो क्या है, वो तो वी आर है, उसका हाफ माइनस कर दो बस वी एम से, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये मेरा एवरेज वोल्टेज बन जाएगी, बोलिए दोस्तों, दिस इज आउटपुट एवरेज वोल्टेज, क्लियर है भाई, बोलिए करेक्ट है बताओ। अब इस आउटपुट वोल्टेज में से अगर मैं एवरेज माइनस कर दूं, इस आउटपुट वोल्टेज में से अगर मैं एवरेज माइनस कर दूं, तो जो वोल्टेज बचेगी वो बचेगी रिपल वोल्टेज वी आर टी, वी नोट टी माइनस वी नोट टी की एवरेज वैल्यू, वो बनेगी रिपल वोल्टेज। अब आप बोलोगे सर बना के दिखाओ रिपल वोल्टेज, चलिए रिपल वोल्टेज को प्लॉट करते हैं, हम रिपल वोल्टेज देखिए वी आर टी वो बनाते हैं। तो आप बताइए, मैं इस इंस्टेंट से शुरुआत कर रहा हूं, यहां से शुरुआत कर रहा हूं, इस जगह से, इस जगह पे ये पीक वैल्यू थी और उसमें से ये माइनस कर दो, पूरे में से एवरेज माइनस करना है, तो पूरी वैल्यू यहां पे क्या है, वीएम, वीएम में से माइनस करना है क्या चीज, ये हाइट, और ये हाइट कितनी है,
Vm माइनस Vr बाई टू, तो क्या हाइट बचेगी बताओ जरा, यही तो बचेगी ऊपर वाली Vr बाई टू, यहां पे बनेगी Vr बाई टू और फिर ये नीचे आ जाएगा ऐसे और ये नेगेटिव जाएगा। अब यहां पे ये हाइट कितनी है बता सकते हो, यहां पे इस जगह पे ये जो हाइट है नेगेटिव हाइट, ये भी Vr बाई टू है, तो जितना ऊपर था उतना ही क्या आ गया, ये नीचे आ गया Vr बाई टू। उसके बाद एकदम से ऊपर चढ़ा Vr बाई टू ऊपर चला गया और फिर से आपका Vr बाई टू, समझ गए ना आप मेरा पॉइंट, बोलो भाई ऐसी वेव आएगी रिपल वोल्टेज, बोलो ट्रायंगुलर टाइप बनेगी, अरे बता दो, ठीक है इस तरह की बनेगी भाई, एक बार देख लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, जो आउटपुट वोल्टेज थी इसमें से एवरेज माइनस कर दिया बस मैंने, ये बन गया, ये जो हाइट है ये है Vr बाई टू और ये हाइट है माइनस Vr बाई टू। तो आप बताओ पीक टू पीक रिपल क्या बनेगा, रिपल की पीक टू पीक वैल्यू क्या बनेगी Vr, और वो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, क्या है बताओ, वो पीक टू पीक रिपल आया था ना, क्या आया था हमारे पास बताओ, ये पूरी Vr की वैल्यू निकाली थी यार, पूरा डिफरेंस निकाला था Vm t by RC। तो इसका मतलब ये जो ऊपर वाली वेव आएगी ये आएगी Vm t by 2RC और नीचे बनेगा माइनस Vm t by 2RC, समझ आया भाई, ये रिपल वोल्टेज की वेवफॉर्म बनेगी, ये रिपल आ रहे हैं इसके अंदर, इसमें से बस मैंने डीसी माइनस कर दिया क्योंकि रिपल जो होती है वो डीसी के रेस्पेक्ट में देखते हैं, डीसी से कितना ऊपर नीचे है वो उसी को बोलते हैं रिपल, ठीक है उसी को बोलते हैं रिपल, एवरेज के रेस्पेक्ट में देखेंगे। तो मैंने कुछ नहीं किया, जो एक्चुअल आउटपुट थी उसको डीसी में से हटा दिया, उसमें से डीसी सबट्रैक्ट कर दिया, इसका इसको डाउन क्लेम कर दिया, इतना जो रेड पेन से आपको नजर आ रही है उसको इतना डाउन क्लेम कर दो बस, क्योंकि डीसी हम हटा चुके हैं उसमें से, ये बन जाएगा दोस्तों, ये शेप बनेगी। अब एक काम करते हैं, अब हम इसकी आरएमएस वैल्यू निकालते हैं, आरएमएस रिपल वोल्टेज ये निकालते हैं, आरएमएस वैल्यू निकालते हैं रिपल वोल्टेज की, इसके अंदर सारे हार्मोनिक है, इसके अंदर भाई जो एक्चुअल वेव जो थी वो ये थी, इस एक्चुअल में से मैंने डीसी कॉम्पोनेंट हटा दिया तो बाकी क्या बचेंगे उस वेव के अंदर बताओ, हार्मोनिक्स बचेंगे, तो जो हार्मोनिक्स है उनसे ये बनेगी बस, अगर मैं सिर्फ डीसी को हटा दूं तो डीसी को हटाने के बाद इस वेव में क्या रहेगा बताओ, जो एक्चुअल रेड कलर की जो वेव है उसमें हार्मोनिक्स रहेगी, उसमें से एवरेज निकाल दिया आपने, उसमें सिर्फ हार्मोनिक्स रहेगा, तो उन हार्मोनिक्स से मिलके ये वेव बनी है, समझ आया। अब मुझे इसके एवरेज चाहिए, मुझे इसके एवरेज चाहिए, जरा देखिए अब इसके एवरेज, एवरेज वैल्यू, एवरेज नहीं आरएमएस वैल्यू चाहिए, रिपल की आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे, आरएमएस रिपल वोल्टेज कैसे निकालेंगे, मैं इसको रब कर दूं, मैं इसको रब कर दूं, बोलो भाई ये लिख लिया आप लोगों ने, ये वाला हिस्सा बताओ लिख लिया ना, चलिए अब एक काम करता हूं मैं रिपल की आरएमएस वोल्टेज निकालता हूं, आरएमएस रिपल वोल्टेज, अब आप देखिए आरएमएस रिपल वोल्टेज, रिपल वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू निकालते हैं, मुझे एक बात बताइए जो मेरी टोटल आउटपुट वोल्टेज है उसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है, उसके अंदर डीसी है और हार्मोनिक्स है, डीसी है और हार्मोनिक्स है, सही बात है, अगर मैं आउटपुट वोल्टेज की टोटल आरएमएस निकाल दूं तो उसका मतलब उसमें सारे कॉम्पोनेंट की मिलकर आरएमएस है, डीसी भी है उसमें से क्या है बताओ, उसमें हार्मोनिक्स भी है, सब कुछ है। अब एक बात बताओ, इसमें से अगर मैं आउटपुट वोल्टेज जो डीसी वैल्यू है, जो एवरेज वैल्यू है, उसकी आरएमएस माइनस कर दूं तो बाकी जो आरएमएस बचेगी ये कौन सी आरएमएस बचेगी बताओ, ये हार्मोनिक्स की आरएमएस बच जाएगी बस। भाई आपने क्या किया, ओवरऑल आरएमएस में से एक डीसी जो वैल्यू थी वो हटा दिया आपने, तो सारे की आरएमएस जो कंप्लीट जो सिग्नल है उसकी आरएमएस का स्क्वायर माइनस केवल डीसी कॉम्पोनेंट का स्क्वायर वो हटा दो आप, आपके पास बचा क्या, जो हार्मोनिक्स है केवल उनकी आरएमएस रहेगी क्योंकि आपने रूट भी ले लिया। आपको ये फॉर्मूला पता है क्या, आपको पता होगा तीन सिग्नल अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी के मिलते हैं एफ टी जी टी एच टी तो इनकी कंबाइन आरएमएस क्या होगी बताओ जरा, मिला के इनके इंडिविजुअल आरएमएस का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो और सम कर दो, ये तो टोटल फंक्शन की आरएमएस है, अगर मुझे एक फंक्शन की आरएमएस हटानी हो उसमें से तो उसको माइनस कर दो बस उसकी आरएमएस का स्क्वायर, समझे, तो बाकी दो फंक्शन की आरएमएस रह जाएगी, क्लियर है, यही तो क्या है। तो आउटपुट की जो आरएमएस है, आउटपुट वोल्टेज की जो आरएमएस का स्क्वायर किया, इसमें क्या है बताओ, इसमें सारे हार्मोनिक्स जो है उन सब का मिलके क्या है बताओ, इंक्लूडिंग डीसी,
सबकी इकट्ठी आरएमएस वैल्यू है, पूरे सिग्नल की आरएमएस है आउटपुट वोल्टेज की, और उसमें से मैंने बस डीसी वाला कंपोनेंट हटा दिया, डीसी की जो आरएमएस वैल्यू थी, डीसी की आरएमएस वैल्यू क्या होती है बताओ, खुद ही अपने आप में वो आरएमएस होती है, तो इसका मतलब वही उसी का स्क्वायर माइनस कर दो और रूट ले लो। ये जो बचेगा ये क्या बचेगा बताओ, ये आरएमएस वैल्यू बचेगी किसकी बताओ, ये जो हार्मोनिक्स रह गए एक्सक्लूडिंग डीसी, डीसी को छोड़ के जो बाकी जो सिग्नल बचा है उसकी आरएमएस आ गई, तो इसका मतलब क्या बचा बताओ, ये इस वेव की क्या है बताओ, आरएमएस वैल्यू है, समझा, तो इसका मतलब दिस इज आरएमएस रिपल वोल्टेज, ये आरएमएस रिपल वोल्टेज है, समझ आया भाई, बोलिए ये आरएमएस रिपल वोल्टेज है। अब आइए रिपल फैक्टर, एक होता है रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर, अब ये क्या होता है रिपल फैक्टर बताओ, किसी को पता है क्या रिपल फैक्टर क्या होता है, बोलिए भाई रिपल फैक्टर क्या होता है, है जी, रिपल फैक्टर क्या होता है, जो रिपल वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू है वो डिवाइड बाई एवरेज, डिवाइड बाई एवरेज, रिपल का फैक्टर मतलब एवरेज के कंपैरिजन में एवरेज का कितना परसेंट, एवरेज वोल्टेज का कितना परसेंट रिपल है मेरा, वो आपकी रिपल फैक्टर हो जाएगा, फैक्टर है ना ये, तो इसका मतलब किसका फैक्टर है, ये है जो डीसी वैल्यू आई है उसका कितना परसेंट रिपल है, तो इसका मतलब इसको क्या कर दो बताओ, रिपल फैक्टर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ बोलिए रिपल की आरएमएस वैल्यू, रिपल वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू, वी आउटपुट आरएमएस का स्क्वायर माइनस वी नॉट एवरेज का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बताओ जरा, वी नॉट एवरेज, आई थिंक ये होता है भाई, एक बार चेक कर लो भाई, रिपल में यही होता है या आउटपुट आरएमएस होता है, मेरे हिसाब से तो एवरेज के रेस्पेक्ट में होती है रिपल फैक्टर, एक बार बताइए, बोलिए दोस्तों, नोट कर लीजिएगा भैया इसको, तो ये बनेगा मेरे पास रिपल फैक्टर, रिपल का फैक्टर कितना परसेंट रिपल है, ठीक है, एक बार देख लीजिए, नीचे मेरे ख्याल से एवरेज होगा, इसको अगर रूट के अंदर भी ले जा सकते हो आप, रूट के अंदर ले जाओगे तो क्या बनेगा, रूट ऑफ आउटपुट की आरएमएस, एक बार देख लो भाई, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं यहां पे, यही है क्या माइनस वन, ठीक है भाई, तो देख लो यही है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, रिपल फैक्टर कॉमन सेंस लगाइए, यो फैक्टर है, किसका फैक्टर है बताओ, जो मेरी रिपल वोल्टेज है उसकी जो आरएमएस वैल्यू है, उसके जो आरएमएस है वो कितना परसेंट है जो एवरेज कंपोनेंट है उसका, ठीक है, बोलिए भाई कोई दिक्कत है तो, ठीक है, और मैंने आपको बताया आरएमएस रिपल वोल्टेज, रिपल वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू क्या आएगी, ये जो मेरी रिपल वोल्टेज बनी है इसकी क्या आरएमएस होगी, ये हम कैसे निकालेंगे, तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि आपको क्या करना है बताओ, पहले तो ये बताओ इसमें कौन कौन से कंपोनेंट मिले हुए हैं, पहले ये बताओ ये वेव किस कौन से कंपोनेंट से मिली हुई है बताओ, जो मेरी आउटपुट वोल्टेज है उसमें से अगर मैं डीसी हटा दूं, आउटपुट के अंदर सारे हार्मोनिक मिले हुए हैं, डीसी है और उसके अंदर हायर हार्मोनिक्स है, अगर मैं उसमें से डीसी हटा दूं तो बाकी जो वेव बचेगी वो यही बचेगी, इसका मतलब इस वेव के अंदर प्योर एसी कंपोनेंट बचे हुए हैं बस, इसके अंदर डीसी नहीं है, इसकी एवरेज वैल्यू जीरो है, ठीक है, इसके पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया बराबर है, इसकी एवरेज जीरो है, इसका मतलब इसके अंदर केवल और केवल कौन से कंपोनेंट है, केवल और केवल एसी कंपोनेंट है, अगर मैं इसकी आरएमएस वैल्यू पूछ लूं आपसे तो आप कैसे निकालोगे, आपको कुछ नहीं करना, जो आउटपुट की आरएमएस वैल्यू है मेरी, आउटपुट की जो आरएमएस वैल्यू, आउटपुट की आरएमएस में तो सारे कंपोनेंट इकट्ठे हो गए, डीसी भी हो गया इकट्ठा, एसी भी हो गए सारे, उसमें से बस डीसी हटा दो, उसमें से डीसी की आरएमएस हटा दो बस, और बाकी जो सिग्नल बचा है उसकी आरएमएस निकाल दो, तो अगर सोचिए इकट्ठे एक ऐसा सिग्नल जिसमें कई सिग्नल मिलकर बना हुआ है उसकी आरएमएस हमें पता है और हमें उसमें से केवल एक कॉम्पोनेंट हटाना है, तो आप क्या करो बताओ जरा, इकट्ठे की आरएमएस का स्क्वायर माइनस जो कॉम्पोनेंट हटाना है उसकी आरएमएस का स्क्वायर रूट ले लो। आप बोलोगे सर यहां पर तो आपने आरएमएस नहीं लिया, यहां पर तो एवरेज लिया है, डीसी वैल्यू है, डीसी वैल्यू की एवरेज और आरएमएस क्या होती है, सेम ही होती है, तो वो हटा दिया बस हमने, ये बचा क्या, इसकी आरएमएस बच गई, ये बच गई आरएमएस वैल्यू रिपल वोल्टेज। अब रिपल फैक्टर क्या होता है बताइए, जो मेरे पास रिपल वोल्टेज है वो डीसी वैल्यू का कितना परसेंट है, जो मेरे पास रिपल वोल्टेज उसकी जो आरएमएस वैल्यू है वो डीसी का कितना फैक्टर है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिपल फैक्टर। बोलिए भाई क्लियर है, कोई दिक्कत है तो बताइए। तो इस तरह से हम लोग रिपल फैक्टर निकालेंगे, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा ये कहानी। चलिए दोस्तों एक स्टेप और आगे चलते हैं, मैं रब कर दूं, हाँ जी, अभी मत फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर ये यहां पे कुछ बनेगा, ठीक है, वो अभी आगे चल के बताऊंगा मैं, ठीक है, यहां से कुछ रिलेशन बनेगी, बट
अभी के लिए आप उसको देखिए मत, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ओके, ये है रिपल फैक्टर, क्या है आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट। तो ये तो आउटपुट का एसी कंपोनेंट की आरएमएस होगी, डिवाइड बाय क्या है बताओ, एवरेज, यही तो लिखा है मैंने, ठीक है, ये रिपल फैक्टर है। आपको समझ आया क्या रिपल फैक्टर क्या होता है? चलिए आगे बढ़ जाए, मैं रब कर दूं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि रिपल फैक्टर क्या होता है और ये रिपल की आरएमएस वैल्यू क्या, ये बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, रिपल वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू। कुछ लोग इसको याद नहीं रखते, उनको पता ही नहीं होता कि रिपल वोल्टेज कैसे हम देखते हैं, ठीक है, तो मैंने बता दिया। अब ये मैक्सिमम डायोड करंट पे, मैक्सिमम डायोड करंट पे आते हैं, मैं रब कर दूं ना इसको, बोलिए समझ आया ना आप लोगों को? अब आइए मैक्सिमम डायोड करंट, अब देखिएगा ये इंटरेस्टिंग है भाई, और खासकर ट्रायंगुलर वेव में जो है ना वो और अच्छा हो जाएगा ये, ठीक है, ट्रायंगुलर वेव में थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए, साइन वेव में थोड़ा सा मुश्किल रहेगा ये मैक्सिमम डायोड करंट निकालना। जरा देखिए कैसे, थोड़ा सा दिमाग लगाना भाई, ठीक है, कॉमन सेंस का ही है वैसे तो क्वेश्चन, ठीक है, ट्रेंगुलर वेव होती तो ज्यादा आसान होता मेरे लिए सोचना, साइन वेव में थोड़ा मुश्किल होता है। ये मेरे पास इनपुट साइन वेव है और जो आउटपुट वेव बनेगी वो क्या बनेगी, जरा देखिए, ये ऐसे आया, ऐसे और ऐसे और इस तरह से, ठीक है ना भाई, बोलिए कोई दिक्कत है तो। डायोड करंट की बात हो रही है मेरी, तो मैं जरा डायोड करंट को नीचे प्लॉट करता हूं, आईडीटी, डायोड करंट आईडीटी ये प्लॉट कर रहा हूं, ध्यान से समझना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो डायोड तो केवल माइन्यूट इंटरवल के लिए काम कर रहा है ना, डेल्टा टी टाइम के लिए, है ना भैया वैभव, समझ आ रहा है तुमको? चलिए, केवल इतने इंटरवल में डायोड कंडक्ट करेगा, डेल्टा टी, ठीक है, आप जरा देखिए करंट की शेप बनाते हैं, करंट की शेप कैसे बनेगी जरा देखो, जो जब डायोड कनेक्ट करना शुरू करेगा तब दो करंट देगा, वो कौन कौन सा करंट देगा बताओ जरा, आईडीटी विल बी इक्वल टू आईसीटी प्लस आईआरटी, सही बात है, और आईसीटी क्या होता है, वो होता है सी डीवीसीटी बाई डीटी प्लस आईआरटी, बोलिए भाई किसी को एतराज है तो बताइए। वीसीटी क्या है, आउटपुट वोल्टेज को ही कैपेसिटर की वोल्टेज बोलेंगे भाई, वही तो है, पैरेलल में सब कुछ लगा हुआ है, और जब डायोड कंडक्ट करेगा तो आउटपुट वोल्टेज ही क्या हो जाएगी बताओ, इनपुट वोल्टेज, और वही क्या बनेगी, वीसीटी भी बनेगी, बोलिए। अरे जब डायोड कंडक्ट, जब मेरा डी ऑन होगा तभी तो बात कर रहा हूं मैं, और जब डी ऑन होगा तो कैपेसिटर की वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज सेम नहीं हो जाएगी, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं इसको सी डी बाई डी टी ऑफ वीएम साइन ओमेगा टी प्लस आई आर को क्या लिखूं बताओ जरा, वीएम साइन ओमेगा टी बाई आर, बोलिए ना, ओमेगा टी बाई आर, बोलो भाई, बोलो भाई, कोई दिक्कत है तो, करेक्ट है, जब डायोड कंडक्ट करेगा यही बनेगा। अब मुझे एक बात बताइए, ये देखिए सबसे पहले इसको देखते हैं, सबसे पहले यहां पर इनपुट वोल्टेज की पीक वैल्यू है, तो करंट की वैल्यू क्या बनेगी बताओ, यहां पे आईआर वाला करंट क्या बनेगा, वोल्टेज की अगर पीक वैल्यू है वीएम तो रजिस्टर में करंट कितना आएगा बताओ जरा, वीएम बाय आर, और ये जो इंटरवल है वेरी स्मॉल है, तो आप अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो यहां पे लेवल और यहां पे लेवल क्या है, अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, हालांकि जस्ट अच्छी बात नहीं है ऐसा करना, ठीक है, मैं चीटिंग कर रहा हूं, देखता हूं तो, बट ये इतना कम डिफरेंस है क्योंकि मेरा आरसी वेरी लार्ज मान रहा हूं, इतना कम डिफरेंस है कि आप इसको क्या मान सकते हो, इसको मान सकते हो कि हर जगह ये जो लेवल रहेगा अप्रोक्सीमेटली क्या रहेगा रजिस्टर में जो करंट है वो सेम ही रहेगा, ठीक है, कितना बताइए, वीएम बाय आर, इस इंस्टेंट में देखो कितना करंट है, यहां पे जो वोल्टेज है रजिस्टर के अक्रॉस वो वीएम है, नहीं भाई डायोड कंडक्ट कर रहा है ना यार, अगर डायोड कंडक्ट कर रहा है तो जो सप्लाई वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू वही तो आएगी आर के अक्रॉस, तो कितना करंट आएगा आर में बताओ, वीएम बाय आर, जो यहां पे है वही मैं यहां पे मान रहा हूं, आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो,
बिकॉज जो गैप है मेरा वो क्या है बताओ, बहुत ही कम है, बहुत ही माइन्यूट है। असल में आपने डिफरेंस निकाला भी तो है, कितना है, वी एम टी बाई आर सी है ना। अब आप सोचिए आर सी जो है वो टी के कंपेरिजन में क्या है, वेरी लार्ज। तो आप बोल सकते हो ये वी एम का बहुत ही स्मॉल फैक्टर होगा, ये जो गैप है ये वाला जो डिफरेंस है, इसका मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी वो आएगी वी एम माइनस वी एम टी बाई आर सी, यही तो बनेगी। अब अगर मैं वी एम को कॉमन ले लूँ एक मिनट के लिए, जरा सोचिए, तो बनेगा टी बाई आर सी। यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी इस लेवल पे वो ये बनेगी है ना, और ये जो आर सी है ये टी के कंपेरिजन में क्या है बताओ, बहुत बड़ा। तो अप्रोक्सीमेटली क्या ले सकते हो इसको आप, वी एम, मतलब यहाँ की वोल्टेज अगर वी एम है तो यहाँ पे भी मैं अप्रोक्सीमेटली क्या मान रहा हूँ बताओ, वी एम ही मान रहा हूँ। तो आर में जो करंट आएगा वो कितना आएगा बताओ, वी एम बाई आर। बोलिए, मैं इसको टाइम का फंक्शन नहीं मानता हूं। तो ये बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव लो, ये बन जाएगा सी इंटू वी एम इंटू ओमेगा कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस वी एम बाई आर। ये मेरे पास क्या आएगा बताओ जरा, ये मेरे पास डायोड का करंट आएगा दोस्तों, सही बात है, बोलो भाई। अब सुनिए, मुझे ये देखना है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आएगी, कोस कोसाइन वेव है, जीरो तो है ही नहीं, टाइम तो यहां से शुरू हुआ है। डायोड का इंटरवल कहां से कहां तक है, यहां से लेके यहां तक। मुझे एक बात बताइए, जहां पे ये डेरिवेटिव सब, ये तो कांस्टेंट ही हो गया ना, पहले ये बताओ, ये तो कांस्टेंट ही हो गया। मैं चाह रहा हूं डायोड का पीक वैल्यू निकालना, तो पीक वैल्यू तब होगी जब इसका जो स्लोप है वो क्या हो, मैक्सिमम हो। जिस जब इसकी जब मैक्सिमम रेट देख लेते हैं कहां पे आ रही है, यहां से लेके यहां तक जो इंटरवल है, केवल उसी में देखना बस, डेल्टा टी इंटरवल में कौन सी जगह पे ये मेरा सबसे ज्यादा है, बस वो मुझे देखना है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही है, तो वी एम बाई आर ही है, समझे क्या मेरा पॉइंट। मुझे ये देखना किस जगह पे रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज मैक्सिमम हो रहा है, कहां पे है बताओ, स्लोप कहां पे मैक्सिमम है, बिल्कुल इस पॉइंट पे मैक्सिमम है। इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे, बिल्कुल जहां पे कंडक्ट करना शुरू किया डायोड, उस पॉइंट पे स्लोप मेरा मैक्सिमम है। तो आप समझ लो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आई है वो इस इंस्टेंट पे आई है, जहां पे डायोड एकदम जस्ट कंडक्ट करना स्टार्ट कर रहा है। तो बस, तो पीक मैक्सिमम, इसका स्लोप निकाल लो, यहां पे इस पॉइंट पे कितना होगा, ये टी की वैल्यू क्या पुट कर दो इसमें बताओ, ये साइन वेव थी ना, बोलो भाई। तो यहां पे अगर टी की वैल्यू पुट करूंगा तो मैं क्या पुट करूंगा बताओ जरा, ये इंस्टेंट कौन सा है बताओ, ये इंस्टेंट कौन सा है, बोले कौन सा इंस्टेंट है, ये पाई बाय टू है और ये डेल्टा टी है, तो ये इंस्टेंट कौन सा होगा बताओ जरा, ये होगा पाई बाय टू माइनस ओमेगा डेल्टा टी, बोलिए ना। अगर मैं साइन के रेफरेंस से देखूं, अगर इसको ओरिजिन मान लूं, तो ये रेडियन में है, ओमेगा टी इक्वल टू पाई, ये पाई है, बोलिए। अगर ये पाई है तो ये डेल्टा टी पीछे आ जाओ, लेकिन टाइम में आ रहे हो डेल्टा टी पीछे, रेडियन में कितना आ रहे हो, ओमेगा डेल्टा टी। तो इसका मतलब यहां पे जो इंटरवल है वो कितना है बताओ, ये जो इंटरवल है ये कितना है, पाई बाय टू, तो यहां पे उसमें ये माइनस कर दो, तो ये इंटरवल है यहां पे, ये ओमेगा टी वाली यहां पे ये है, तो यहां पे ओमेगा टी की वाली ये पुट कर दो आप, तो आप बताओ ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सी इंटू डायोड का जो पीक करंट आएगा, मैक्स करंट जो आएगा वो इस जगह पे आएगा। बोलिए भाई, ये समझ आएगा इस जगह पे कैसे आएगा, पहले ये बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब बस आपको ये ओमेगा टी की वैल्यू पुट करनी है, ओमेगा टी की वैल्यू यहां पे क्या है, साइन को हमने देखा ना, देखो यहां पे साइन लिखा है, साइन कहां से शुरू होता है, यहां से, इसका मतलब टी यहां से शुरू हो रहा है हमारा, तो फिर ये टाइम कितना है बताओ, ये पूरा टाइम पाई बाय टू है, ओमेगा टी इक्वल टू पाई बाय टू, तो ये कितना हो जाएगा, ये ओमेगा डेल्टा टी माइनस कर दो, ये कितना आ जाएगा, पाई बाय टू माइनस ओमेगा डेल्टा टी, जरा पुट कर दो ये टाइम इसमें, आई डी मैक्स विल बी इक्वल टू सी वी एम ओमेगा कोस ऑफ पाई बाय टू माइनस ओमेगा डेल्टा टी है जी, बोलो सही है भाई, एक बार देख लो, प्लस वी एम बाई आर है ना, क्या बन गया बताओ, ये वी एम ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा डेल्टा टी प्लस वी एम बाई आर, ये बन गया दोस्तों, एक बार देख लीजिए। और ये बहुत स्मॉल एंगल है, तो साइन ऑफ एक्स इज नियरली इक्वल टू एक्स नहीं होगा, अगर x क्या है मेरा बहुत ही स्मॉल है, तो मैं इसको क्या लिखूं, सी वी एम ओमेगा स्क्वायर डेल्टा टी प्लस वी एम बाई आर, और डेल्टा टी की वैल्यू क्या है बताओ, निकाल चुके वेरी स्मॉल, छोड़ो टी एम की, इसकी वैल्यू निकाल निकाल रखी हमने, बताओ क्या वैल्यू आई है,
सी वी एम ओमेगा स्क्वायर इंटू बताओ वन बाई ओमेगा रूट ऑफ टू टी बाई आर सी प्लस वी एम बाई आर, ये ओमेगा से एक ओमेगा कट गया, ठीक है भाई। तो इसका मतलब आप समझ गए होगे आप आगे निकालना, ठीक है। वीएम मेरा कॉमन ले लो या वीएम बाई आर ले लो ना, कॉमन वीएम बाई आर मैंने कॉमन ले लिया, अंदर देख लीजिए क्या बना, वन प्लस वन प्लस, यहां पे क्या होता है वीएम तो कॉमन आ गया, ओमेगा आर सी रूट ऑफ टू टी बाई आर सी, ये बन जाएगा दोस्तों। देख लीजिए एक बार, दिस इज मैक्सिमम डायोड करंट। इसमें थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लिया है मैंने, क्या अप्रोक्सीमेशन लिया बताओ, आर वाले केस में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिया, ठीक है। बस ये लिया, मतलब मैंने बताया ना बेहतर इंजीनियर वो होता है जो बेहतर अप्रोक्सीमेशन ले सके। अगर ये वेव ट्रेंगुलर होती ना तो मजे आ जाते, सोचिए अगर ट्रेंगुलर होती तो कैसे निकालते, एक मिनट के है जी, ट्रेंगुलर के केस में देखते हैं। अगर ये वेव ट्रेंगुलर होती इनपुट वोल्टेज तो बड़ा आसान होता आपके लिए, सोचिए इस तरह की वेव होती ट्रेंगुलर वेव, तब तो बड़ा मजे आ जाते आपके लिए। कैसे मजे आते सुनिए, ऐसे बनेगा ना, सही है। यहां पे स्लोप डायरेक्टली पता आपको, स्लोप डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। तो उस केस में बहुत आसान हो जाता हमारे लिए, ठीक है ना। चलिए देखेंगे वो भी, मजे नहीं आए, मजे लेने तो यार डांस डांस करना पड़ेगा। मजे लेने तो और भी है बहुत सारे लोग, वहां पे जाके मजे लो, वासुदेव टाइप है उधर टाइम पास करो अपना, यहाँ पे मजे नहीं आएंगे भाई। तो पता है नेचर है ना, वो सेंसेशन पैदा नहीं करती, पता है नेचर के लो है ना बहुत अजीब से हैं, ठीक है। आप हर चीज को ऐसे नहीं सोच सकते हो, बोलिए भाई। देखो फॉर्मूले डायरेक्ट लिखने से अच्छा है उसको डिराइव कर लो, थोड़ा तो समझ आएगा ना कुछ, लेकिन इनको याद नहीं करना, इतनी हिम्मत मत दिखाना भाई, ठीक है। याद करने की हिम्मत मत दिखाना, मैं पहले बता रहा हूं आपको, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए मैंने क्या किया, एक बार फिर से देख लीजिए मैंने क्या किया, एक बार लिख लो पहले। याद करने की हिम्मत मत दिखाना भाई, मैं पहले बता रहा हूं, ये मुझे भी याद नहीं रहते, ठीक है। ये एक्सप्रेशन सब कुछ वेव फॉर्म पर डिपेंड करते हैं, इनपुट वेव कैसी है, इनपुट वेव में ट्रायंगुलर दे दी तो क्या करोगे, सारे के सारे रूल खराब हो जाएंगे आपके, अगर रट्टा मारा हुआ है तो। अगर आपने इनका कंसेप्चुअली आपने समझ लिया इनको कि कैसे हमें कंसेप्ट अप्लाई करना है, तब आप इजीली कर लोगे। और अगर फॉर्मूले याद किए हो तो उनसे तो नहीं होगा भाई, ठीक है, वो तो खाई में गिराएंगे आपको। तो इसलिए याद रखिए, समझिए कंसेप्ट को, चीज़ों को समझिए भाई, तभी आप कर पाओगे। लोग टेबल बना देते हैं पता है, कि ये टेबल याद कर लो भाई, इसमें फॉर्मूले हैं, ठीक है, और उन टेबल से फिर आपको याद करना होता है, ठीक है, वो काम नहीं आएगा आपको, मैं बता देता हूं, ठीक है। जैसे हमने प्रूव किया ना चीजों को, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे, देखना आप अगर क्वेश्चन में पूछ लेते हैं तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हाँ जी देखें करें भाई, देखें दोस्तों मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, जरा देखिए, जब डायोड कंडक्ट करना शुरू करेगा यहां से, ये जो टाइम है, पहले तो ये टाइम बताओ कौन सा टाइम है, यहां पे ओमेगा की वैल्यू क्या है बताओ, ओमेगा टी की वैल्यू क्या है, ये साइन वेव है या ओरिजिनेट यहां से हुई है, यहां पे ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाय टू है, तो यहां पे क्या होगी बताओ जरा, पाई बाय टू माइनस डेल्टा टी, लेकिन माइनस डेल्टा टी नहीं हो सकता क्योंकि डेल्टा टी तो टाइम में हो गया, पाई बाय टू रेडियन में हो गया,
तो इसलिए पाई बाय टू माइनस ओमेगा डेल्टा टी, यहां पे जो एंगल है वो है पाई बाय टू माइनस ओमेगा डेल्टा टी। पहली बात तो ये देखिए इस पॉइंट पे, यहां से डायोड कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा तो जो डायोड करंट होगा उसमें दो करंट होंगे, कैपेसिटर का करंट और एक रजिस्टर का करंट। ठीक है, कैपेसिटर का करंट क्या होता है, वो होता है सी डीवी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज इंटू सी, प्लस रजिस्टर का जो करंट होता है वो होता है जो भी इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगी डिवाइड बाय आर कर दो बस। और वोल्टेज क्या आ रही है बताओ इसके अक्रॉस, वीएम साइन ओमेगा टी, यही सप्लाई वोल्टेज तो आएगी जब डायोड कंडक्ट करेगा तब, वीएम साइन ओमेगा टी बाय आर। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला यहां की वोल्टेज और यहां की वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली क्या है बताओ, सेम ही है, मतलब ज्यादा वेरिएशन नहीं है। ये आप बोलोगे सर कैसे पता, आपने डिफरेंस करके देख लो ना यहां पर क्या वैल्यू है, यहां पे जो वोल्टेज आएगी वो क्या आएगी वो जरा देख लेते हैं। तो वीएम तो मेरी पूरी है, उसमें से ये माइनस कर दो रिपल, तो ये आ गया, ये वोल्टेज जो है ये मेरी कहां पे होगी, ये मेरी यहां पे होगी, और ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है, वीएम के बराबर है। इसका मतलब यहां की वोल्टेज और यहां की वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली क्या है बताओ, सेम ही है। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैंने रजिस्टर का जो करंट लिया है वो कॉन्स्टेंट ले लिया वीएम बाई आर, मैंने मान लिया कि वहां पर वीएम है वहां पर वीएम है, ज्यादा वेरिएशन है हो नहीं रहा उसमें। लेकिन जो कैपेसिटर है उसमें देखिए, कैपेसिटर तो किस पे डिपेंड करता है, वो वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, किस रेट से मेरी वोल्टेज चेंज हो रही है उस पे डिपेंड करता है। तो आप बताओ मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज जो इनपुट वोल्टेज का आएगा वो यहां पे आएगा कि यहां पे आएगा, स्लोप यहां पे तो स्लोप जीरो आएगा और यहां पे स्लोप ऐसे आएगा, तो यहां पे स्लोप ज्यादा नहीं है क्या, सही बात है ना, यहां पे ज्यादा स्लोप है, बोलिए। तो इसका मतलब है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो इस इंस्टेंट पे आएगी, क्योंकि यहां पे डेरिवेटिव ज्यादा है, डीवीसी बाई डीटी की वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब इसकी जहां पे जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वहीं पे तो डायोड का मैक्सिमम करंट होगा, बिकॉज ये तो फिक्स ही कर दिया हमने वीएम बाई आर। इसका डेरिवेटिव देख लो, और ये डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आ रही है, इस इंटरवल में अगर मैं देखना चाहूं, इस इंटरवल में मैक्सिमम कहां पे बताओ, यहां वाले टाइम पे है। ठीक है भाई, इस जगह पे है या इस जगह पे, एक ही बात है, ये वाला टाइम बोल दो, और ये वाला टाइम कौन सा है बताओ, ओमेगा टी की वैल्यू यहां पे क्या है, पाई बाय टू माइनस ओमेगा डेल्टा टी, तो वो मैंने पुट कर दिया पाई बाय टू माइनस ओमेगा डेल्टा टी, ओमेगा टी की जगह पे। तो ये पुट करने से मेरे पास क्या आ गया, मैक्सिमम डायोड करंट आ गया, साइन ऑफ ओमेगा डेल्टा टी को फिर मैंने डेल्टा टी लिख लिया, ओमेगा डेल्टा टी लिख लिया, बिकॉज ये साइन एक्स है और ये एक्स इज वेरी स्मॉल, तो एक्स वेरी स्मॉल है तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ओमेगा डेल्टा टी ही आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हो भाई। ठीक है ना, बोलिए भाई। हाँ जी बोलिए, आगे बढ़े, इनके क्वेश्चन करवाएंगे अभी, आप पहले समझ तो लो ये, इसको क्वेश्चन करेंगे अभी हम। तो मेरे पास मैक्सिमम डायोड करंट भी आ गया दोस्तों, रट्टा नहीं मारना है, जैसे हमने क्वेश्चन सोल्व, जैसे हमने प्रूव किया है ऐसे ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्योंकि हमें पता ना वेव कैसी देगा वो, हो सकता है ट्रेंगुलर वेव दे दे, हो सकता है कोई तिरछी मिर्ची कोई भी वेव दे दे आपको, कैसे भी आ सकता है ना क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ट्रेंगुलर वेव का भी क्वेश्चन करेंगे भी, आपका डाउट मैं लूंगा ट्रेंगुलर का, एक बार जरा रुकिए, ट्रेंगुलर पे आएंगे हम लोग। अब जरा देखिए, अब डायोड करंट को प्लॉट करते हैं, मैं जानता हूं डायोड करंट मेरा यहां पे इस इंस्टेंट पे मैक्सिमम डायोड करंट है, तो मैक्सिमम मैंने दिखा दिया, और यहां पे डायोड कंडक्ट करना बंद कर दे रहा है, इसका मतलब यहां पे क्या होगा डायोड करंट बताओ, जीरो, असल में यहां पे जीरो नहीं होगा, थोड़ा सा आगे जीरो होगा, माइन्यूट सा, क्यों मैंने आपको बताया ना डायोड हल्का सा माइन्यूट टाइम तक कंडक्ट करता है, तो अगर आप करंट देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली इस तरह का करंट आएगा, डायोड का करंट कुछ इस तरह का बनेगा, थोड़ा सा आगे तक जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का डायोड करंट आएगा भाई, ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ जाए भाई, समझ आया। इसकी जो एवरेज वैल्यू है इस करंट की वो हम पहले ही निकाल चुके हैं, वो ये रही। ठीक है ना, आगे बढ़ जाए भाई, नोट कर लीजिएगा इसको, हाँ जी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ये कह रहे हैं सर पंकज कुमार, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कैसे झेलते होंगे ये, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सिर्फ रट्टा मारते हैं। ठीक है, असल में जो टीचर होते हैं उनके वो बस फॉर्मूला लिखवा देते हैं, हाँ जी कुछ कहना चाह रहे हो तुम, तो वो सिर्फ रट्टा मारते हैं और कुछ नहीं करते हैं। हाँ जी हाँ, वीएम बाई आर तो फिक्स रहेगा ना, यहाँ पे वीएम बाई आर है तो मैंने यहाँ पे वीएम बाई आर कर दिया, इस जगह पे जो है एम्पलीट्यूड यहां पे वीएम बाई आर है आर का, और इस जगह पे क्या होगा वीएम बाई आर तो होगा ही होगा, उसमें एक और एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएगा, तो इसलिए यहां पे मैक्सिमम डायोड करंट हो गया। वो ठीक है, आफ्टर
हाँ उसके बाद धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा बताओ जरा, ये करंट सप्लाई करना शुरू कर देगा और इधर से धीरे धीरे करंट आपका कम हो जाएगा, ठीक है, एकदम से नहीं होगा लेकिन बहुत धीरे धीरे करके आएगा करंट, ठीक है। इक्वेशन तो वैलिड ही नहीं हो पाएगी वहां तक, इक्वेशन वैलिड, ये तो ये जो इक्वेशन है ये थोड़ी सी आगे तक वैलिड होगी, बट आप देख थोड़ी ना पाओगे यहां से, मतलब इतना थोड़ी ना आप देख पाओगे कि यहां पे कैसे डाउन आएगा, ये वो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, ठीक है, इसलिए मैंने रफली एक डायग्राम बना दिया, क्लियर है। देखिए दोस्तों, उम्मीद आपको समझ आ गया, अभी क्लियर है, आगे बढ़ जाए, समझ आया क्या? कुछ क्लियर भी हुआ कि भाई कैसे हुआ है ये सब, कैसे किया मैंने? नहीं पल्ले पल्ले पड़ा, बोलो भैया थोड़ा कम आए हैं, चलिए कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन से समझते हैं, एक क्वेश्चन लिखिए, मैं रब कर दूँ, इसको रब कर दूँ, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से थोड़ा क्लियर होगा, ठीक है, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करते हो ना, इन फॉर्मूलों को फाड़ के फेंक देना भाई, किसी काम के नहीं है ये, तो फिर आप बोलोगे सर करवाए क्यों फिर आपने, सो देट आपकी कॉपी भर जाए, कुछ लोग कहते हैं सर रजिस्टर तो भरा ही नहीं, ठीक है, तो नोट्स जब तक नहीं होते आपके पास तब तक आपको मजे नहीं आते हैं ना, हैं? हाँ 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 हाँ, दिल्ली की बात है वो, तो वहां पे बोलते हैं कि सर आप बच्चों को पढ़ाओ चाहे ना पढ़ाओ उनके 12 नोट्स भरे होने चाहिए, 12 पेज। मैंने कहा यार ठीक है कोई बात नहीं, जरा देखिए भाई, अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा ये मेरा रजिस्टर है और ये नहीं, ये मेरा कैपेसिटर और ये मेरा रजिस्टर है, अब आप बोल्ड होने वाले हो, देखिएगा असल में जो इस पे क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कोई पूछता ही नहीं है थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन, जबकि यहां पे बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिकी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए ध्यान से करना भाई। देखिएगा दोस्तों, ये है मेरा VIT और R की वैल्यू दे रखी है 10 किलो ओम, R इज 10 किलो ओम, C की जो वैल्यू दे रखी है 100 मिली फेरेड, C इज 100 मिली फेरेड, ये C दे रखा है, और आपको जो VIT दे रखा है वो कुछ इस तरह का दे रखा है, अब आप देखिए जैसे आप ये सेप देख ली, इसका मतलब जो आपने अभी अभी पूरा पेज भरे ये किसी काम के नहीं है, लेकिन आपने जो सीखा है जो प्रोसेस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको वो काम आएगा, बस फॉर्मूले काम नहीं आएंगे अब, ठीक है, क्योंकि वेव से बदल दी मैंने, इनपुट की वेव बदल दी है, ये जो है ये है मान लीजिए मेरे पास 10 वोल्ट और ये है -10 वोल्ट, ये टाइम जो है ये मिली सेकेंड में है, टाइम जो है मिली सेकेंड में है, जरा देखिए 0 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे है दोस्तों, ठीक है, कुछ इस तरह का है, आपको पता रहे अप्रोक्सीमेट एवरेज आउटपुट वोल्टेज, अप्रोक्सीमेट एवरेज आउटपुट वोल्टेज, आपको यह बताना है कि अप्रोक्सीमेट आउटपुट वोल्टेज क्या बनेगी, ठीक है, आपको यह कैलकुलेट करना है, दूसरा बताना है फिर एवरेज डायोड करंट, एवरेज डायोड करंट यह आपको बताना है, तीसरा आपको बताना है कंडक्शन टाइम ऑफ डायोड, कंडक्शन टाइम ऑफ डायोड आपको यह भी बताना है कि डायोड का कंडक्शन टाइम क्या होगा, कितनी देर के लिए डायोड जो है वो कंडक्ट करेगा, ये आपको बताना है। हाँ जी जरा देखें भाई, चलो ट्राई करो, 2 ही मिनट दूंगा मैं, ज्यादा नहीं दूंगा, मेरे अंदर का दम वो ना चुप नहीं रह बैठता है पता है, ठीक है, ज्यादा समय नहीं दूंगा मैं, जल्दी करो फटाफट, बस आप एक बार थॉट प्रोसेस दिमाग में बैठा लो कि किस तरह का थॉट लगेगा, थॉट इंपॉर्टेंट है, बस एक बार बस ये विचार बना लो कि होगा कैसे, बस अगर ये पता चल गया तो फिर इजिली आप कर लोगे, ठीक है, आपको बस थॉट प्रोसेस
दिमाग में बैठाना है, बिकॉज इंपॉर्टेंट वही चीज़ है, आंसर इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, जल्दी करें भाई, थोड़ा दिमाग में बैठाइए कि कैसे इसको अप्रोच करोगे आप क्वेश्चन को। पहले तो आरसी देखो क्या है, और टाइम पीरियड देखो क्या है। टाइम पीरियड है 4 मिलीसेकंड का, और आरसी क्या है, आर इंटू सी करके देखो वो क्या बनेगा, वो तो 1000 बनेगा सेकंड, 1000 सेकंड टाइम कांस्टेंट जो है 1000 सेकंड, और टाइम पीरियड क्या है 4 मिलीसेकंड। तो आप बताओ आप यहां पे क्या अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो, आरसी इज मच मच ग्रेटर देन टी है, तो इसका मतलब जो आपकी वेव आई थी वो वाली जो एक्सपोनेंशियल, उसको आप क्या मान सकते हो, उसको स्टेट मान सकते हो। समझा, अब ध्यान देना भाई मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे जो टाइम कांस्टेंट है वो तो 1000 सेकंड है, और जो टाइम पीरियड है वो 4 मिलीसेकंड है, इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 250 गुना ज्यादा हो गया, आप समझिए। ठीक है, आपका जो टाइम कांस्टेंट है वो टाइम पीरियड से 250 गुना ज्यादा है, तो फिर तो आप जो एक्सपोनेंशियल कर्व होता है उसको लीनियर मान सकते हो। ठीक है, अब जरा दिमाग लगाना अभी, फॉर्मूला कोई काम नहीं आएगा, मैं आपको बता देता हूं, कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा, कोई फॉर्मूला हेल्प नहीं करेगा भाई आपकी। देखे वेव शेप बना देता हूं, आउटपुट की वोल्टेज की वेव शेप ये बनेगी, ट्रायंगुलर और फिर ये बनेगा दोस्तों, और ये जो वेव है इसको भी आप क्या मान सकते हो, ये इतना कम पीरियड है टाइम कांस्टेंट के कंपैरिजन में कि आप इसको क्या मान सकते हो, स्ट्रेट लाइन बोलिए। ठीक है, और यहां पे भी ये स्ट्रेट लाइन बन गया, इसको आप स्ट्रेट लाइन अज्यूम कर सकते हो दोस्तों, कोई ये बढ़िया अजम्पशन है, बट द प्रॉब्लम इज एवरेज निकालनी है तो मुझे एरिया चाहिए, एरिया अंडर वन पीरियड डिवाइड बाय टाइम पीरियड, यही करना है ना, उसके लिए मुझे ये डेल्टा टी वाला पीरियड चाहिए। अब जरा देखिएगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, ये डेल्टा टी चाहिए, अगर ये आ गया तो फिर मैं एरिया निकाल दूंगा बस। ठीक है, मुझे इस इंटरवल की दिक्कत है बस, तो इस इंटरवल के लिए कैसे सोल्व करेंगे इसका बताओ, क्या रिलेशन क्या वो था, ये था मेरे पास पीक वाली थी 10e−t/RC, RC इज 1000, सही बात है ना भाई, बोलो। अरे बता दो, सही है, यहां से एक्सपोनेंशियली डाउन होता है वैसे तो ये, चलो एक्सपोनेंशियली लिख लेते हैं, और अगर मैं इस लाइन को देखूं तो ये लाइन है 10, यहां पे 5 सेकंड पे 10 है और 4 सेकंड पे 0 है, तो इस लाइन का स्लोप, इसकी लाइन की इक्वेशन बता सकते हो क्या आएगी, इसको ओरिजिन मान लो आप या इसको ओरिजिन मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, अपने को तो बस यहां पर हाइट है यहां पर देखनी हाइट, इसका स्लोप बताओ पर सेकंड कितनी हाइट बढ़ रही है, बताओ पर सेकंड कितनी हाइट बढ़ रही है ये बताओ, यहां 4 से 5 में 10 बढ़ गई ना, 1 सेकंड में 10 होगी, तो डेल्टा टी सेकंड में कितना चेंज आएगा बताओ जरा, अगर 1 सेकंड में 10 का चेंज आ रहा है तो डेल्टा टी सेकंड में कितने का चेंज आएगा, 10 डेल्टा टी का, इसका मतलब अगर यहां पे हाइट 10 है तो यहां पे क्या बनेगी बताओ, हाइट 10 − this change, ये हाइट में चेंज कितना आया, 10 डेल्टा टी, तो आप बताओ यहां पे जो हाइट है वो क्या है बताओ, इस जगह पे जो हाइट है वो 10 − 10 δt, बोलिए ना, अरे बता दो, समझ आया, ये यहां की हाइट है, बोलिए भाई यहां तक क्लियर हुआ क्या, तो डेल्टा टी भी तो मिली सेकंड में ही है, अगर 1 मिलीसेकंड में 10 का चेंज है तो डेल्टा टी मिली सेकंड में कितने का होगा, नहीं समझे क्या, 10 डेल्टा टी का चेंज हो जाएगा भाई, 1 मिलीसेकंड में 10 का चेंज है, 10 वोल्ट का चेंज है,
तो डेल्टा टी मिलीसेकंड में क्या होगा बताओ, 10/1 मिलीसेकंड इनटू डेल्टा टी मिलीसेकंड। एक एक नियम पढ़ाया गया आपने यूनिटरी मेथड, तो वो एक एक नियम लगाया मैंने, ठीक है, ये कट गया मिलीसेकंड से मिलीसेकंड, ठीक है भाई। तो इसका मतलब ये बन गया मेरा, ये हाइट आ गया, बोलिए कोई दिक्कत है तो, क्लियर है। अब सुनिए मेरी बात, यहां की हाइट मुझे पता चल गई इस तरफ से, इधर से, अब इधर से निकाल लेते हैं। अगर मैं टाइम को यहां पे ओरिजिनेट करूं, यहां पे ओरिजिन मान लूं मैं, तो आप बताओ यहां से लेके यहां तक का कितना टाइम है, टी माइनस डेल्टा टी। तो यहां पे टी की जगह पे क्या पुट कर देता हूं, तो 10 × e^2 टी की जगह टी माइनस डेल्टा टी कर देता हूं, कैपिटल टी माइनस डेल्टा टी, बोलिए ना, डिवाइड बाय आरसी। और इसकी जो हाइट आएगी वो किसके बराबर आएगी, वो इसके बराबर है 10 × 1 − δt, बोलिए ना, बता दो, 10 से 10 कट गया, ये क्या बन गया e^(t/rc) − e^(, और यहां पे माइनस आएगा भाई, इंटू e^(, क्या बन जाएगा डेल्टा टी बाई आर सी, बोलिए भाई, 1 − ये तो नेग्लिजिबल है, सही है भाई। तो क्या बना ये बताओ जरा, इसको अप्रोक्सीमेट कर दो, 1 − t/rc = 1 − δt, मजे आ गए, डेल्टा टी क्या पता चल गया बताओ जरा, टी बाई आर सी, बोलिए सही है, एक बार देख लो, पहले भी ये आया था मेरे ख्याल से, पहले क्या था, अलग था क्या, पहले पहले रूट में आया था कुछ, है ना, क्योंकि उसमें कोसाइन वेव थी, ये तो उसका अप्रोक्सीमेट किया था अगर आपको याद हो, है ना, उसको ओरिजिन यहां पे मान के उसको कोसाइन वेव की तरह ले लिया था, सही है भाई। बोलिए इस बार देखो चेंज हो गया, डेल्टा टी मुझे पता लगा कि डेल्टा टी क्या है, बस अब तो हो गया क्वेश्चन, आपको इसका एरिया निकालना यहां तक का, तो ये हाइट मैं ऐसे ले लेता हूं, बट ये हाइट भी तो चाहिए अभी मुझे, ये हाइट मुझे पता है भैया, ये हाइट मुझे पता है, कहां पता है बताओ, ये रही ना हाइट, यहां पे हाइट पता है कितनी है, 10 − 10 δt, और डेल्टा टी की वैल्यू आ गई है मेरे पास, तो इसका मतलब ये जो हाइट है कितनी है बता सकते हो, ये हाइट कितनी है, ये हाइट है 10 − 10 δt, डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, टी बाई आर सी, तो ये मैंने 10 कॉमन ले लिया, 1 − t/rc, ये मेरे पास क्या आ गई, ये हाइट आ गई है मेरे पास, ये हाइट आ गई है। अब बताओ इसका एरिया क्या बनेगा, इसका एरिया बताओ भाई क्या बनेगा, इसको पीरियड से मल्टीप्लाई कर दो, हाइट तो पता ही आपको ये वाली, तो मल्टीप्लाई कर दो, बताओ क्या बना, 10 × 1 − t/rc × t, ये तो इसका एरिया हो गया। अब आप बताओ ऊपर वाले ट्रायंगल का क्या एरिया आएगा, इस ट्रायंगल का एरिया बताओ क्या बना, प्लस बताओ क्या बना, 1/2 × दिस हाइट, अब ये हाइट कितनी है बताओ, ये 10 δt हाइट है बस, 1 मिलीसेकंड में 10 का चेंज है, तो डेल्टा टी में कितने का चेंज आ रहा है बताओ, 10 δt, तो इसका मतलब ये जो हाइट है कितनी है, 10 δt, इधर भी 10 δt, ये भी 10 δt, तो आप बताओ 1/2 10 δt, 1/2 × दिस हाइट × दिस लेंथ, और ये लेंथ कितनी है, t − δt, बोलिए दोस्तों सही है, ये तो इसका एरिया हो गया। अब इधर वाले ट्रेंगल का एरिया बताओ, ये वाले का प्लस हाफ 10 δt × δt, है ना। अब जब देखो ये कट गया इस वाले पार्ट के साथ, ये हाफ 10 δt × δt नेगेटिव का है और यहां पे पॉजिटिव का है। अब आप अल्टीमेटली बताओ ये क्या बना, ये बना 10t × 1 − t/rc प्लस हाफ या 10t/2 δt, बोलिए दोस्तों, इसको लिख दिया 10t/2 और डेल्टा टी, और ये मेरे ख्याल से डेल्टा टी की जगह पे वैल्यू पुट कर दो क्या, t/rc, तो t/rc पुट कर दो इसमें, इसको t/rc पुट कर दो ना डेल्टा टी की जगह, बताओ यार ये एरिया आ गया बताओ ना, इसको डिवाइड बाय क्या कर दो बताओ, टाइम पीरियड से डिवाइड कर दो, एवरेज वैल्यू आ जाएगी, बोलो ये कट गया टी से टी, ये कॉमन लेके काट दो, तो ये क्या बचा, ये बचा 10 × 1 − ये डेल्टा टी है, बोलो भाई ये मेरा डेल्टा टी है, प्लस 5 × δt, बोलिए दोस्तों क्या 10, ठीक तो है सही लिखा। अब ये क्या बन गया, ये बन गया 10 − 10 δt + 5 δt, कितना बन गया ये 10 − 5 t/rc, ये लो जी ये मेरे पास एवरेज आउटपुट वोल्टेज है, समझ आया। तो देखो सब कुछ धराशाही हो गया आपका, लेकिन आपका जो कंसेप्ट था वो बिल्कुल वैसा ही है,
कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, अभी ध्यान दीजिएगा अभी, ठीक है। 10 माइनस 10 डेल्टा टी नहीं आया समझ में, ये कह रहे हैं कि ये समझ नहीं आया कि ये जो चेंज हो रहा है, ये हाइट जो है ये ऐसे ये इतनी कैसे हुई। मुझे एक बताओ, एक सेकंड में अगर आप इस लीनियर लाइन को देखो तो एक सेकंड, एक मिली सेकंड में चार से पांच पे जा रहे हो, तो हाइट में जो बदलाव आ रहा है वो 10 का आ रहा है, एक मिली सेकंड में 10 का बदलाव आ रहा है, तो डेल्टा टी सेकंड में कितने का बदलाव आएगा? 10 डेल्टा टी, सिंपल सी बात है। 10 डेल्टा, तो इसका मतलब यहां से यहां तक जो हाइट में बदलाव आ रहा है, जो यहां से और यहां पे हाइट जो चेंज है वो 10 डेल्टा टी है। तो ऊपर वाली हाइट माइनस कर दो, बताओ नीचे वाली हाइट क्या बनेगी, ये वाली हाइट क्या बनेगी। ऊपर वाली पूरी हाइट है 10, उसमें से 10 डेल्टा टी माइनस कर दो तो क्या बचेगा बताओ। यहां पे बनेगा 10 माइनस 10 डेल्टा टी, समझ आया क्या? बोलिए भाई, ये बनेगा 10 माइनस 10 डेल्टा टी, क्लियर है? फिर मैंने क्या किया, पहले ये रेक्टेंगल ले लिया, इसका एरिया निकाला, फिर इस ट्रायंगल का और फिर इस ट्रायंगल का, सबको जोड़ दिया, टोटल एरिया आ गया, फिर डिवाइड बाय टाइम पीरियड कर दिया, एवरेज वैल्यू निकाल ली मैंने, ठीक है। देखिए, और डेल्टा टी की वैल्यू मैंने फिर पुट कर दी है, समझ आया क्या आपको? नोट कर लीजिएगा भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, ठीक है, नोट कीजिए। आगे बढ़ जाए, अब आप बताइए एवरेज डायोड करंट क्या आएगा? मिली सेकंड वाला चेंज क्यों लेंगे यार, बता तो दिया 1 मिली सेकंड में 10 का चेंज है, तो टी मिली सेकंड में निकालना है, सिंपल वही तो आएगा, क्या दिक्कत है इसमें? मिली सेकंड क्यों लेंगे यहां पे? वो कट गया मिली सेकंड से मिली सेकंड, एक एक नियम लगाइए, यूनिटरी मेथड लगाओगे देखो ना यार। हाँ जी, जरा देखिए, सुनिए भाई मैं क्या कर रहा हूं, एवरेज डायोड करंट क्या आएगा बताओ? एवरेज कैपेसिटर करंट क्या है? जीरो, क्योंकि कैपेसिटर की वोल्टेज मेरी पीरियोडिक है, तो एवरेज कैपेसिटर करंट इज जीरो, तो जो रजिस्टर का एवरेज करंट आएगा वही डायोड का एवरेज करंट आएगा। और रजिस्टर का एवरेज करंट कितना है बता सकते हो? रजिस्टर का एवरेज करंट क्या है? रजिस्टर के अक्रॉस एवरेज आउटपुट वोल्टेज पता है, तो डिवाइड बाय क्या कर दो, आर कर दो, एवरेज डायोड करंट आ जाएगा, समझ आया? अब आइए, कंडक्शन टाइम ऑफ डायोड, कंडक्शन टाइम ऑफ डायोड डेल्टा टी मिली सेकंड है, डेल्टा टी मिली सेकंड ऑलरेडी निकाल चुके हम लोग, समझ आया? बोलिए, डायोड का जो कंडक्शन है वो डेल्टा टी मिली सेकंड का है, तो डेल्टा टी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बोलिए भाई समझ आया क्या, एक बार बता दीजिए भाई। बोलो, आगे बढ़ जाए, नोट कर लो। हाँ जी बताइए। क्या कह रहे हो? हाँ, यहाँ पे भी भाई ये जब डायोड बंद हो जाएगा तो सर्किट तो वही है, तो ये भी एक्सपोनेंशियली डिके करेगा, बट क्योंकि ये इतना कम इंटरवल है टाइम कांस्टेंट के कंपैरिजन में, देखो ये एक्सपोनेंशियली ऐसे डिके होता है, टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है जिसमें कितना परसेंट डाउन हो जाता है बताओ, 63 point something, बट ये जो टाइम है ये तो बहुत ही कम है टाइम कांस्टेंट के कंपैरिजन में, तो बहुत ही कम टाइम है, और इतने कम टाइम में ये जो एक्सपोनेंशियल है उसको आप क्या मान सकते हो बताओ? लीनियर, दैट्स व्हाई मैंने इसको क्या ले लिया, लीनियर, क्लियर है? वहां पे भी हमने ऐसे ही किया था, क्योंकि यहां पे मेरा आरसी जो है वो बहुत ज्यादा लार्ज है, आरसी जो है वो टाइम पीरियड से बहुत ज्यादा लार्ज है, ठीक है। बोलिए भाई, कोई दिक्कत है तो, क्लियर हुआ? आगे बढ़ जाए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना, डायोड का जो एवरेज करंट होगा वो इसका एवरेज प्लस इसका एवरेज आना चाहिए, बट इसका एवरेज तो जीरो होता है, क्यों जीरो होता है कैपेसिटर का एवरेज बताओ? क्योंकि एवरेज के अक्रॉस वोल्टेज है, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज वो पीरियोडिक है, और आपने शायद बेसिक्स में पढ़ा हो कि कैपेसिटर के अक्रॉस अगर वोल्टेज पीरियोडिक होगी तो क्या होगा बताओ? तो आपका जो एवरेज करंट आएगा कैपेसिटर के थ्रू वो जीरो आएगा, ठीक है। तो आप देखिए, ट्रायंगुलर वेव थोड़ी सी रिलेटिवली आसान है, ठीक है, साइन वेव से, क्योंकि उसमें साइन और कोसाइन का वो बन गया था ना, उसमें वो प्रॉब्लम आ रही थी, ये थोड़ी आसान है, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह कि फॉर्मूलों को मत पकड़िए आप, ठीक है, आप कंसेप्ट को पकड़िए कि कैसे हमें कंसेप्ट अप्लाई करने हैं और सोल्व कैसे करना है, ठीक है। फॉर्मूले किसी काम के नहीं है भाई, ठीक है ना, आगे बढ़ जाए। अगर इस पे कोई फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ गया तो समझ लो वो किसी बकवास प्रोफेसर ने बनाया वो, ठीक है, जिनको और कोई काम धंधा नहीं है, बस वो अपनी अपनी बीवी से परेशान है बेचारे, उनको पढ़ने वढ़ने की फुर्सत नहीं है, तो लोग क्या करते हैं,
वो बस अपना सीधा सीधा बना देते हैं, बताओ भाई ये क्या आंसर आएगा, ठीक है, तो फिर क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर ऐसे लोग, हाँ जी आगे बढ़े भाई, मैं रब कर दूँ, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप इसको सोल्व करोगे। नेक्स्ट जरा देखिए, मैं रब कर रहा हूँ, इसको रब कर रहा हूँ भाई, ठीक है, रब कर दूँ, जरा देखिए। अब यहाँ पे मैं पीछे और चेंज कर सकता हूँ इसको, मतलब जरूरी तो नहीं है मैं नीचे लेके आऊँ वेव को, मैं ऊपर दो वेव बना सकता हूँ, उससे और ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप सोचिए अगर ये जो है ये इस तरह का वेव होता VIT, तो आउटपुट कैसी होती बताओ, तो और मजे आ जाते आपको, ये बहुत ही कम डिके होगी फिर तो, बोलो भाई बिल्कुल ऐसा ही है क्या है इसमें, नहीं भाई इनपुट आप ऐसे भी तो दे सकते हो ना, ठीक है, तो कैसी भी दे दो, आपको बस बेसिक पता होना चाहिए करना कैसे है, और आपको मैथ अप्लाई करना आना चाहिए भाई, कैसे मैथमेटिक्स अप्लाई करना, उसके बाद इसमें कुछ है नहीं भाई, ठीक है। चलिए मैं जरा आगे बढ़ रहा हूँ, अब जरा देखिए छोटी सी प्रॉब्लम इंडक्टर की भी ले लेते हैं। अब इंडक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं भाई, अभी तक हमने कैपेसिटर को इंट्रोड्यूस किया था, अब मैं चाह रहा हूँ इंडक्टर को भी इंट्रोड्यूस किया जाए। हालांकि इंडक्टर जो है ना वो ईसी वालों का जरूरत नहीं है, बट इलेक्ट्रिकल वालों को जरूरत है, बट फिर भी अगर आप पढ़ोगे तो आपको मजे आएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, मुझे आप बस सिंपल सा बताइए, अच्छा समझ आया ना पिछली कहानी, मुश्किल तो नहीं लगी, ठीक है, चलिए मुश्किल लगी तो लगती रहेगी भाई, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। सोचिए मैं पहले डीसी दे रहा हूँ, ये अगर मैंने डीसी दिया और ये मेरा स्विच है, एक मिनट के लिए डीसी दे रहा हूँ और ये मेरा स्विच है, ये कोई 2 हेनरी का इंडक्टर है, जैसे मैं सोचिए 10 वोल्ट है ये, जैसे मैंने स्विच को क्लोज किया, आप बताओ क्या ये डायोड कभी ऑफ होगा या कभी ऑन होगा, बताओ, देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं, बताओ। अगर मैंने टी इक्वल टू 0 पे क्लोज कर दिया तो ये डायोड पे क्या असर पड़ेगा बताओ, डायोड मेरा ऑफ होगा क्या कभी, आइडियल डायोड है ये, बोलो। एक काम करते हैं, इसको 0 मान लेते हैं, और शुरू में डायोड क्या था मेरा, ओपन, ठीक है, तो जैसे स्विच क्लोज करूंगा इधर की क्या वोल्टेज आएगी बताओ जरा, 10, और इधर की क्या आएगी, तो इसका तो डायोड तो काम करेगा, फिर डायोड तो शॉर्ट हो जाएगा। अगर मेरा डायोड शॉर्ट हो गया तो आप बताओ फिर तो 2 हेनरी के अक्रॉस 10 वोल्ट आ गई, फिर तो करंट जो है वो क्या होगा बताओ जरा, कॉन्स्टेंट वोल्टेज अगर इंडक्टर के अक्रॉस आ जाए तो, बिल्कुल ILT जो होगा इंडक्टर का जो करंट होगा वो बनेगा IL0 + 1/L इंटीग्रेशन 0 to t VLT dt। बोलिए भाई L की वैल्यू कितनी है, 2 हेनरी, तो 5t आ गया क्योंकि इनिशियल करंट तो 0 है, बोलिए ना, तो इसका मतलब करंट तो क्या होगा बताओ, लीनियरली क्या होना शुरू कर देगा, बढ़ता ही जाएगा करंट, तो बढ़ता ही जाएगा करंट, हमेशा इधर जा रहा है, क्या कभी डायोड रिवर्स बायस होगा, कभी नहीं होगा, डायोड कभी रिवर्स बायस नहीं होगा, चलता ही रहेगा, करंट बढ़ता जाएगा लीनियरली। आप बोलोगे सर डायोड जल नहीं जाएगा, आइडियल है भाई, राम है ये, समझ रहे हो, राम हर चीज को संभाल लेता है, समझ रहे हो, तो कुल मिला के ये कभी नहीं चलेगा, ठीक है, और करंट जो है लीनियरली बढ़ता चला जाएगा, डायोड हमेशा क्या रहेगा, ऑन रहेगा, क्लियर है भाई, किसी को एतराज तो नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब इसी सर्किट में जरा देखिए, मैं रब कर दूं, इसको रब कर दूं, बोलिए, नोट कर लो फटाफट, फटाफट नोट कीजिए, हाँ जी आगे बढ़ते हैं, समझ आया ना भैया, एक और चीज देखिएगा आप, मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, देखिएगा, अब यही सर्किट है मेरा, थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूं,
यहां पे मैं एसी लगा रहा हूं, ठीक है, सेम सर्किट है मेरा। यहां पे मान लीजिए मैंने 10 साइन ओमेगा टी दे दिया और टी इक्वल टू जीरो पे स्विच को क्लोज कर रहा हूं। अब बताओ क्या होगा, दिमाग लगाना। इंडक्टर जब भी आ जाए ना, हमेशा करंट डिसाइड करेगा कि कहां ऑफ होना है। याद रखिएगा, इंडक्टर जब भी आ जाए करंट डिसाइड करेगा। यहां पे देखो, यहां पे ये जो इंडक्टर है इसको बंद नहीं होने देगा डायोड को, ये बोलेगा करंट मेरे में पॉजिटिव है। अगर डायोड बंद हो गया, सोचिए कहीं पे भी बीच में, तो एकदम से क्या वोल्टेज बनेगी बताओ, इनफाइनाइट वोल्टेज बना देगा एकदम से। अगर एकदम से डायोड ऑफ हो गया सोचिए किसी इंस्टेंट पे, तो वहां पे एकदम करंट जीरो होगा। और करंट अब्रप्टली जीरो होने का मतलब इंडक्टर में क्या होता है बताओ, उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या बनेगी, इनफाइनाइट। और वो जो वोल्टेज है वो डायोड को फिर से ऑन कर देगी। आप बोलोगे सर कैसे, वो जो इनफाइनाइट बनेगी उल्टी पोलैरिटी की बनेगी, क्यों, करंट डिक्रीज कर रहा है। अगर करंट डिक्रीज करेगा तो एल डी आई बाई डी टी की वैल्यू क्या आएगी बताओ जरा, डी आई बाई डी टी नेगेटिव होगा तो एल डी आई बाई डी टी करंट बेशक इधर से एंटर कर रहा है, डी आई बाई डी टी उल्टी पोलैरिटी का इंड्यूस होगा। और ये जो वोल्टेज है ये प्लस वाला पॉइंट ये यहां पे आ जाएगा और ये माइनस वाला पॉइंट इस डायोड को क्या कर देगा, फिर से ऑफ नहीं करने देगा। समझ रहे हो मेरा पॉइंट, तो ध्यान दीजिए इंडक्टर में करंट जो होता है ना वो डिसाइड करता है इंडक्टर का करंट। जब करंट जीरो हो जाएगा ना तब इंडक्टर डायोड को बोलेगा कि अब तुम ऑफ हो सकते हो, उस टाइम फिर वोल्टेज देखेंगे कि इधर की वोल्टेज क्या है इधर की वोल्टेज क्या है, उसे पता चलेगा। इंडक्टर जब तक करंट इंडक्टर में जीरो नहीं हो जाएगा डायोड को बंद नहीं होने देगा वो, ठीक है, याद रखिएगा। अभी देखेंगे इस क्वेश्चन में, देखते हैं धीरे धीरे समझ आएगा आपको, ठीक है, इंडक्टर वाला धीरे धीरे समझ आएगा। मैं रब कर दूं ना इधर से, ये पॉइंट वापिस आइए इस पॉइंट पे, देखते हैं टी इक्वल टू जीरो पे मैं ऑन कर रहा हूं, देखते हैं क्या होगा। सोचे मैंने ऑन कर दिया, जीरो पे ऑन हुआ ये, सबसे पहले डायोड को क्या मान के चलेंगे बताओ, शुरुआत में ऑफ ग्राउंड मान लो, और यहां की वोल्टेज है VIT। एक बार VIT को देखो बस, इसको मत देखा करो साइन को, और इसको मैंने ऑफ मान लिया। अब आप बताइए इधर की वोल्टेज क्या बनेगी, जीरो, और इधर की वोल्टेज VIT, और VIT जीरो से क्या है बताओ, अगर बड़ी होगी तो डायोड कंडक्ट करेगा, डी मेरा ऑन होगा व्हेन VIT इज ग्रेटर देन जीरो। और शुरुआत में क्या है VIT बताओ, पॉजिटिव ही तो है, तो इसका मतलब देखो ना साइन है ना, शुरुआत में पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब शुरुआत में डायोड क्या हो जाएगा बताओ, ऑन हो जाएगा। एक बार ऑन हो गया उसके बाद देखते हैं, अब ये वोल्टेज मेरी इस तरह की है, ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है ये, ये वोल्टेज मेरी इस तरह की है, ठीक है। अब जरा देखिएगा, वोल्टेज मेरी शुरुआत में ग्रेटर देन जीरो है तो डायोड ऑन हो जाएगा, डायोड ऑन होते ही इंडक्टर का करंट बताइए अब क्या बनेगा। इंडक्टर का जो करंट बनेगा अब वो बनेगा IL जीरो विच इज जीरो, इनिशियल करंट जीरो था, प्लस 1/L इंटीग्रेशन 0 टू t, वोल्टेज क्या बन जाएगी 10 साइन ओमेगा t dt। बताइए क्या बना, ये बना 5/ओमेगा, साइन का क्या बन जाएगा माइनस कोस ओमेगा t 0 टू t, सही बात है, क्या बनाइए ये बन जाएगा 5/ओमेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 माइनस कोस ऑफ ओमेगा t। मजे आ गए दोस्तों, अब जरा प्लॉट करते हैं, जरा देखिएगा अब जरा प्लॉट करते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, ठीक है, देखिए दोस्तों क्या होगा बताइए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बोलूं कि टी की वैल्यू जीरो है या ओमेगा टी की वैल्यू जीरो है तो करंट जीरो से स्टार्ट होगा। अब आप बताइए जब ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाय टू होगी तब करंट कहां पे आएगा, 5/ओमेगा पे, ऐसे राइज करेगा ये। अब आप बताइए जब पाई हो जाएगी तब क्या होगा, पाई हो जाएगी तब क्या होगा बताओ, पाई पे माइनस वन होता है और एक माइनस पहले से बाहर है तो ये तो यार और बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा बताओ जरा, ये तो ऐसे बढ़ेगा, यहां पे तो पीक पे है, ध्यान से देखे। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, सुनिएगा, अब यहां पे वोल्टेज क्या हो रही है पीछे की बताओ, इनपुट वोल्टेज नेगेटिव हो रही है इस पॉइंट के बाद, क्या डायोड ऑफ होगा। आप बोलोगे क्यों सर, VIT जब ग्रेटर देन जीरो तभी तो होगा, ये तो तब था जब डायोड क्या था शुरू में ऑफ था, अब ऑन हो चुका है डायोड, अब ये कंडीशन किसी काम की नहीं है, ये कंडीशन कब काम की होती है बताओ, जब डायोड पहले क्या था ऑफ, अब तो ऑन है भैया पहले यहां पे। अब सुनिए यहां पे क्या होगा, पीछे की वोल्टेज नेगेटिव हो जाएगी, यहां की वोल्टेज नेगेटिव हो जाएगी, तो डायोड बोलेगा भाई मैं ऑफ होऊंगा क्योंकि मेरे पीछे की वोल्टेज नेगेटिव है। इंडक्टर को बोलेगा, इंडक्टर बोलेगा इसको चुप करो तुम, क्यों चुप करो बताओ, क्योंकि मेरे में करंट अब्रप्टली जीरो नहीं हो सकता, मैं करंट को जीरो नहीं कर सकता, समझा।
तो वो बोलेगा भाई तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ये बोलेगा मैं क्या करूं पीछे नेगेटिव हो गई वोल्टेज, तो ये बोलेगा मैं अपने अक्रॉस नेगेटिव बना लेता हूं इधर, मैं अपने अक्रॉस नेगेटिव बना, अगर यहां पे नेगेटिव है तो तुमसे ज्यादा नेगेटिव मैं इधर बना लूंगा, सो दैट तुम्हारी वोल्टेज क्या रहे बताओ, सो दैट तुम जो है वो क्या करते रहो, कंडक्ट करते रहो। अब आप बोलेगा, ये बोलेगा मैं नेगेटिव कैसे बनाएगा, सोचिए आप इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है करंट इधर आ रहा है और इसके अक्रॉस वोल्टेज यहां पर नेगेटिव है, इसका मतलब करंट कैसा होना चाहिए, एल डी आई बाई डी टी कैसा होना चाहिए, सो दैट ये पोलैरिटी बने, बताओ ये पोलैरिटी आनी चाहिए, करंट ऊपर से ही आ रहा है बट पोलैरिटी अब ऊपर जिधर एंटर कर रहा है उधर प्लस नहीं होनी चाहिए, उधर क्या होनी चाहिए, माइनस होनी चाहिए। अब आप बताओ माइनस कैसे होगी, जब ये करंट क्या होना चाहिए बताओ, डिक्रीजिंग, इसका मतलब इस पॉइंट के बाद डिक्रीज करेगा करंट, समझ रहे हो, डिक्रीज करेगा, सो दैट यहां की वोल्टेज क्या रहे, नेगेटिव बन जाए, समझ रहे हो मेरा पॉइंट, और ये कब तक इसको ऑफ नहीं होने देगा डायोड को, जब तक करंट जीरो ना हो जाए, तो इसका मतलब यही वेव वैलिड रहे, यही इक्वेशन वैलिड रहेगी, क्योंकि जब तक डायोड शॉर्ट रहेगा यही इक्वेशन वैलिड रहेगी, तो यही इक्वेशन चलती रहेगी और इससे करंट डाउन आएगा, अब ये करंट डाउन आएगा पाई तक आ गए थे ना, अब बताइए 3π/2 पे क्या बनेगा, 3π/2 पे क्या बनेगा, ये जीरो हो जाएगा वापस से 5π ω बनेगा, यही वैल्यू आएगी यहां पे, समझ आया भाई, और बताइए 2π पे क्या बनेगा, बोलिए 2π पे बनेगा अब जीरो, 2π पे 1 बन जाएगा। अब सुनिए, अब इंडक्टर क्या बोलेगा डायोड को, अब बोलेगा जनाब अब तुम बंद हो सकते हो, लेकिन अब पीछे वाली वोल्टेज क्या बोलेगी, अब मैं पॉजिटिव हो गई हूं, ठीक है, इंडक्टर बोलेगा मेरे में करंट जीरो हो गया भैया, ठीक है मैं अब बिल्कुल तैयार हूं बंद होने के लिए, अब तुम कर सकते हो बंद, मुझे डायोड को बोलेगा अगर तुम करना चाहो तो, लेकिन डायोड के पीछे अब क्या लगा हुआ है बताओ, वोल्टेज, वोल्टेज बोलेगा अब मैं पॉजिटिव हो गई, ठीक है, अब फिर से क्या होगा, फिर से वही कहानी शुरू हो जाएगी जो यहां से जीरो से शुरू हुई थी, यहां पे पॉजिटिव था करंट जीरो था, सेम चीज यहां पे आ गई, ये वोल्टेज पॉजिटिव और यहां पे करंट जीरो, इसका मतलब फिर से क्या होगा बताओ, डायोड कंडक्ट करेगा, फिर से वही कहानी, ठीक है, समझ गया मेरा पॉइंट, डायोड कभी ऑफ होगा ही नहीं, ठीक है, ये वेव फॉर्म बनेगी भाई, नोट कीजिए इसको, है जी, अब कुछ अगर ये डायोड कंडक्ट कर रहा है जब ये वोल्टेज नेगेटिव हो तो ये भी तो नेगेटिव होनी चाहिए नहीं, तो और ये वोल्टेज नेगेटिव कब होगी, जब करंट डिक्रीजिंग हो, DI/DT की वैल्यू अगर डिक्रीजिंग है, तो ये असल में तो क्या होता है, इंडक्टर में आपने पढ़ाया जिधर करंट एंटर करता है उधर क्या होना चाहिए बताओ, पॉजिटिव, और जिधर लीव कर रहा है उधर नेगेटिव, और ये वोल्टेज बनेगी LdI/DT, इंडक्टर में यही पढ़ा आपने, बट सोचिए अगर DI/DT का रेट करंट इधर ही है बट वो डिक्रीजिंग है करंट, उसका स्लोप नेगेटिव है, तो फिर तो वोल्टेज क्या बनेगी, LdI/DT नेगेटिव आ जाएगी, नेगेटिव आने का मतलब इधर माइनस और इधर प्लस बन जाएगा, इसका मतलब इंडक्टर में अगर करंट इधर आ रहा है तो जरूरी नहीं है ये पोलैरिटी आए, अगर वो करंट डिक्रीजिंग है, जो इधर आने वाला करंट डिक्रीजिंग है, तो पोलैरिटी बदल जाएगी वोल्टेज की, तो ये इसलिए अपनी पोलैरिटी को बदल लेगा आप यहां पे, सो दैट ये डायोड कंडक्ट करता रहे, वो इसलिए बिकॉज इसका करंट जीरो नहीं हुआ है, इंडक्टर में हमेशा क्या याद रखना है, करंट, करंट जब जीरो होगा तभी कुछ हो सकता है भाई, डायोड ऑफ, इंडक्टर पोलैरिटी चेंज कर लेगा अपनी, क्योंकि आप खुद सोचिए ना, डायोड जब कंडक्ट कर रहा है तो यही वोल्टेज तो इंडक्टर के अक्रॉस आएगी, जब सप्लाई उल्टी होगी तो इंडक्टर की वोल्टेज भी उल्टी हो जाएगी, इस पॉइंट के बाद यही तो इंडक्टर की वोल्टेज है, इंडक्टर की जो वोल्टेज आएगी सेम है सप्लाई वोल्टेज, यही वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस आएगी और करंट जो है वो ये आएगा, समझ आया, ध्यान दीजिएगा अभी, क्लियर है, नोट कर लीजिए भाई, ये बहुत अच्छा केस था, अब आगे बढ़ेगा, इसमें एक और पॉइंट समझाता हूं मैं आपको, एक और पॉइंट जरा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, इसी में एक और पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं, नोट कर लो भाई, थोड़ा बेसिक बेसिक समझा रहा हूं मैं, ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, ज्यादा डीप आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ोगे, ठीक है सर, कहां से सोचते हो ऐसे लॉजिक, ओके क्या करें यार, प्यार था इंडक्टर का, हाँ आप कुछ भी बोलो इसको, लेकिन अगर आपने ये नहीं समझा तो खाई में गिरोगे, ठीक है, तो इसलिए इसको समझ लेना, एक और चीज देखिएगा, एक और बड़ी मस्त चीज बताता हूं आपको, बताऊं क्या, तैयार हो आप लोग, ठीक है ठीक है ठीक है,
नोट कीजिए भाई फटाफट, थोड़े बेसिक बता रहा हूँ भाई मैं आपको, ज़्यादा नहीं मतलब डेप्थ में लेके जा रहा हूँ, मैं आपको बेसिक बेसिक प्रॉब्लम समझा रहा हूँ कि क्या होगा इसमें। डायोड कभी ऑफ नहीं होगा इसमें भी, ना इसमें होगा ना इसमें होगा। लेकिन अब जरा देखेंगे, मैं एक छोटा सा चेंज और कर रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। देखे भाई अब एक बड़ा मस्त कॉन्सेप्ट है, देखते हैं कितने लोग इस पॉइंट को समझ पाते हैं। मैं रब कर दूं इसको, चलिए इसको रब कर रहा हूं, देखिएगा दोस्तों बस एक छोटा सा चेंज, वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे, ठीक है, हालात भी बदल जाएंगे भाई। तो जरा देखिएगा, ये और लगा दिया मैंने, अब जरा बताइए क्या होगा, दिमाग लगाना, ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है बताओ, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन कैथोड। यहां तक तो बिल्कुल सही है, यहां तक बिल्कुल सही है, यहां तक आपने बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे पहला कर रहा था। जरा मैं अलग से बना देता हूं वेवफॉर्म, जरा देखते हैं अब क्या बनेगा। पहले आप लोग ट्राई कीजिए ना, पहले आप थोड़ा सोचिए ना, पहले थोड़ा सोचिए ना, आप लोग जरा दिमाग लगाओ ना क्या होगा, देखते हैं, जल्दी करो दिमाग लगाइए, करें भाई कुछ नहीं, सिंपल सिंपल करवा रहा हूँ मैं अभी डायोड प्रॉब्लम, ठीक है। हालांकि इसी वालों को इंडक्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग इंडक्टर नहीं देखते, बट बेसिक लेवल है ये, मुझे लगता है ये आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि डेप्थ में जाओगे तो एल के बाद फिर आर एल बनेंगे, पता नहीं क्या क्या बनेंगे, और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एल में भी बतानी बाकी है अभी, ठीक है। तो वो जो है ना वो मैं अवॉइड कर रहा हूँ, अभी बस आपको बेसिक लेवल समझा रहा हूँ, ठीक है, करें भाई। इंडक्टर के अक्रॉस सोर्स वोल्टेज है तो पोलैरिटी कैसे चेंज होगी, जब सोर्स की चेंज होगी तो इंडक्टर की भी चेंज हो जाएगी, पैरेलल में ही तो लगा हुआ है, सोर्स जब नेगेटिव होगा तो इंडक्टर भी अपने अक्रॉस नेगेटिव कर लेगा, पैरेलल में है तो ये भी तो चेंज जाएगा, नहीं समझे, जब सोर्स बदलेगा तो पैरेलल में ही तो लगा हुआ है यार, वो भी बदल लेगा, क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, अब वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, ठीक है, अब देखिएगा क्या होगा, करते हैं जरा, आप लोग कीजिए पहले दिमाग लगाइए, बस सिर्फ प्रोसेस समझ जाओ, ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे मत जाओ, ठीक है, बस आप ये देखो होगा क्या, बस वेवफॉर्म के लिए सोचिए कि असल में कैसे कैसे वेवफॉर्म बदलेंगे। मुझे एक बात बताइए, जब नेगेटिव वोल्टेज होगी, जब वीआईटी की वैल्यू नेगेटिव होगी, इधर है जीरो फिक्स है, इधर तो जीरो, इधर है नेगेटिव वोल्टेज, पहले जब वीआईटी पॉजिटिव होगा तो कौन कंडक्ट करेगा इन दोनों में से बताओ, पहले डी वन कंडक्ट करेगा, इसको मैं D2 बोल देता हूं, ठीक है, और D1 कंडक्ट करेगा तो इसका मतलब शुरू की जो हाफ साइकिल आएगी उसमें D1 कंडक्ट करेगा, D1 कंडक्ट करेगा, ये करंट आएगा, यहां तक करंट आ गया, ठीक है, मैं इसको यहां पे दोबारा बना देता हूं, यहां तक करंट आ गया, ठीक है। अब सुनिए, अब VIT नेगेटिव हो गया, यहां पे नेगेटिव हो गया है और यहां पे जीरो है, कौन कंडक्ट करेगा बोलो, D2, क्यों D2 बताओ, क्योंकि इसके अक्रॉस हायर वोल्टेज है, इसके पीछे एनोड में इसके लोअर वोल्टेज है, इसका मतलब ये होगा बंद और ये शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट होते ही डायोड के अक्रॉस वोल्टेज क्या बनेगा, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या बनेगी, जीरो, और अगर इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज जीरो है तो करंट क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट, क्योंकि आप जानते हो LdIdt अगर जीरो हो जाता है तो इसका मतलब I क्या है बताओ, कॉन्स्टेंट। अब इसका ये करंट डेवलप हो चुका है, ये करंट अब इधर से लूप बनाएगा, ये जीरो नहीं होगा, ये इस डायोड के थ्रू लूप बनाएगा और क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, यहां तक कॉन्स्टेंट रहेगा, मजे आएंगे देखना अभी। और इंडक्टर के अक्रॉस अगर मैं वोल्टेज भी साथ साथ प्लॉट करूं VLT, अब जब देखिएगा VLT क्या बनेगा, जब जब D1 कंडक्ट कर रहा था तब तक तो सप्लाई वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस थी,
इसका मतलब यहां तक तो सप्लाई वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस थी, अब बताओ अब होगी जीरो, यहां तक जीरो रहेगी जब तक नेगेटिव वोल्टेज रहेगी, फ्री व्हील होगा करंट, करंट यहां से घूमता रहेगा। अब इस पॉइंट में आइए, फिर से इस पॉइंट में क्या होगा, फिर से इनपुट पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होते फिर कौन सा कंडक्ट करेगा इन दोनों में बताओ, डी वन कंडक्ट करेगा, लेकिन जरा रुकिएगा, बिल्कुल सही है, डी वन कंडक्ट करेगा, तो वोल्टेज क्या आएगी इंडक्टर के अक्रॉस, सप्लाई वोल्टेज ही आएगी, तो करंट लेकिन यहां से अब शुरू होगा, इनिशियल करंट अब ये है और जितना ये इंक्रीज हुआ था अब यहां से उतना इंक्रीज होगा, इसका मतलब करंट क्या आएगा फिर से बताओ, यहां तक करेगा अब ये, समझ आ गया, और करंट जो है वो यहां से यहां तक इंक्रीज हो जाएगा, और वोल्टेज क्या बनेगी इंडक्टर के अक्रॉस, फिर से पॉजिटिव वोल्टेज, यही वाली सप्लाई वोल्टेज ही, उसके बाद जैसे ही वोल्टेज नेगेटिव होने की कोशिश करेगी करंट क्या हो जाएगा बताओ, कॉन्स्टेंट, और ये वोल्टेज क्या हो जाएगी जीरो, क्योंकि अब ये कंडक्ट करना शुरू कर देगा, और जैसे ही फिर से अगली साइकिल आएगी उसके बाद फिर से करंट यहां से क्या करना शुरू करेगा, राइज करना स्टार्ट करेगा, और वोल्टेज क्या हो जाएगी, वोल्टेज ऐसी हो जाएगी, समझ आया, जरा ध्यान दीजिए, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज पीरियोडिक है, बोलो क्या एवरेज वैल्यू जीरो है इसकी, अगर इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज की एवरेज वैल्यू जीरो नहीं है तो करंट पीरियोडिक नहीं आएगा, ठीक है, क्या पीरियोडिक है करंट, कहां है पीरियोडिक, एवरेज वैल्यू तो पॉजिटिव है, अगर इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज की एवरेज वैल्यू पॉजिटिव होती है तो करंट कैसा आता है, राइजिंग, नेटवर्क थ्योरी पढ़ी होगी आप लोगों ने, तो देखो करंट राइजिंग है, पिछले केस में देखिए, पिछले केस में ये डायोड था ही नहीं, तो ये डायोड हमेशा कंडक्ट करेगा, और अगर हमेशा कंडक्ट करेगा तो सप्लाई वोल्टेज ही इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज आएगी, और इसकी एवरेज वैल्यू जीरो है तो करंट कैसा है बताओ, करंट पीरियोडिक है, क्योंकि एवरेज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या है मेरी, जीरो है, तो करंट भी कैसा आया बताओ, करंट पीरियोडिक आया, और फिलहाल अगर मैं ये डायोड और लगा दूंगा तो आउटपुट वोल्टेज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि नेगेटिव होते ही क्या हो जाएगा, ये कंडक्ट करना शुरू कर देगा, इस वोल्टेज को जीरो बना देगा, समझ आया, ये डायोड कंडक्ट करना शुरू कर देगा, क्लियर हुआ भाई, तो आउटपुट वोल्टेज कभी नेगेटिव नहीं होगी, आउटपुट वोल्टेज हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और आउटपुट वोल्टेज ही इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है, इसका मतलब इंडक्टर के अक्रॉस एवरेज वोल्टेज कभी भी जीरो नहीं हो पाएगी, और इंडक्टर के अक्रॉस अगर एवरेज वोल्टेज जीरो नहीं है तो उसका करंट कभी भी पीरियोडिक नहीं आएगा दोस्तों, क्लियर हुआ, अरे बता दो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा प्यारा केस था भाई, नोट कीजिए इसको, ठीक है, इसको नोट कीजिए भाई, आगे बढ़ जाएं, थोड़ा हैवी डोज हो गया है ना, बहुत हैवी हो गया इसको घर जाके ना रिवाइज कर लेना आप लोग, ठीक है, नहीं तो भूल जाओगे, चलिए ओके। नरेश जी कह रहे हैं कि सर जो आपने पिछला इंडक्टर को आपने कंडक्टिंग माना डायोड को पिछले केस में, तो डायोड तो तब कंडक्ट करेगा ना जब यहां की वोल्टेज ज्यादा नेगेटिव हो, यहां से जब नेगेटिव हाफ आई थी तब, नहीं जनाब, जब डायोड शॉर्ट है तो यहां की वोल्टेज ज्यादा नेगेटिव हो ही नहीं सकती, इससे क्या होनी चाहिए बताओ, फिर उस केस में सेम रखेगा, बस करंट खींचता रहेगा, ये करंट ये देता रहेगा, अगर ये ऑफ होने की टेंडेंसी दिखाएगा तब ये ज्यादा नेगेटिव बनाएगा, बट ऑफ होने की टेंडेंसी दिखाएगा ही नहीं है, ये बोलेगा करंट जा रहा है जाने दो, ठीक है, तो इसका मतलब वोल्टेज सेम ही रहेगी, पॉइंट को समझिए, ऐसा मत समझिए कि ये ज्यादा नेगेटिव हो जाए, ज्यादा नेगेटिव तो तब होगा जब ये डायोड ऑफ होने की टेंडेंसी दिखाएगा, पिछले क्वेश्चन की बात हो रही है भाई, ठीक है, बोलिए, बोलो भाई, अरे बोल दो, हाँ जी, तो इसको याद कीजिए, ये पुराने पाप आपके, सही कह रहे हो आप, ठीक है, ये पुराने पाप है आपके, नेटवर्क थ्योरी में करवाए थे हमने ये पाप, याद है, चलिए अब एक और चीज सुनिए, बस एक लास्ट चीज हो, ठीक है, अभी फ्लो में चल रहे हैं ना यार, बोलिए, बुरा तो नहीं लग रहा आप लोगों को, बुरा लग रहा है बुरा लग रहा है, तुम तो सो रहे हो, तुमको क्या बुरा लगेगा अच्छा नहीं सो रहे, पहली 5 मिनट में तुम सो गए थे, ठीक है, मुझे ये पता है, मैं डिस्टर्ब नहीं करता सोते हुए आदमी को, क्योंकि क्लास में ना नींद बड़ी प्यारी आती है, ठीक है, तो इसलिए ना उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए नींद को, चलिए खैर, हाँ जी, चलिए एक छोटा सा पॉइंट और, बस एक लास्ट क्वेश्चन और, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, बस उसके बाद बाय बाय कर देंगे, ठीक है, देखिए दोस्तों, अब मैं इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों को ले रहा हूं,
ठीक है, बेसिक इंडक्टर समझाया मैंने, इतना डेप्थ में नहीं, मैं नहीं गया हूं, वैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक्स हैं जो इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ेंगे बेचारे, ठीक है। बट इतना ईसी वालों को भी जानना बहुत जरूरी है भाई, ईसी वाले इतना बेसिक लेवल तो जानिए, ठीक है। अब जरा देखिए, क्योंकि ईसी का ही क्वेश्चन आया है, एक देखिए क्या क्वेश्चन है, आई थिंक 2012 का क्वेश्चन था, पता नहीं कौन सा, एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये मेरे पास C है, ये मेरे पास L है, C की वैल्यू सोचिए 1/4 फेरेड ले ली मैंने, और L की वैल्यू को मैंने 16 हेनरी ले लिया, नहीं 16 मत लो यार, 2 हेनरी ले लो, 2 हेनरी ठीक है क्या, 4 ले लो, 4 हेनरी, 4 हेनरी ले लो, आसान इजीली थोड़ा करते हैं, ठीक है। जरा देखिए भाई, और मैंने आपको स्विच को क्लोज कर दिया टी इक्वल टू जीरो पे, मुझे क्या करना है, मुझे करंट की वेव से बनानी है, आई टी कैसा आएगा दिमाग लगाइएगा, आई टी कैसा आएगा, आई टी कैसा आएगा, देखें, देखें दोस्तों, शुरू में देखो जैसे स्विच क्लोज किया, एक बार डायोड को क्या मान के चलो, इसको ग्राउंड मान लेते हैं, डायोड को मान लेते हैं ओपन, तो इधर के वोल्टेज क्या बनेगी 10, ये चार्ज है 10 पे भाई, और ये इधर की वोल्टेज 0, इसके अक्रॉस कोई करंट है कोई ना, कुछ नहीं है इसमें तो, ठीक है। तो आप बताओ डायोड कंडक्ट करेगा, बिल्कुल कंडक्ट करेगा, डायोड को शॉर्ट कर दीजिए, डायोड को शॉर्ट करोगे तो करंट अब फ्लो करना स्टार्ट करेगा और वोल्टेज भी चेंज होना स्टार्ट होगी, कैसे होगी वोल्टेज चेंज और करंट की तरह, लैपलेस से कीजिए, अब लैपलेस लगाओ, एलसी जब भी आ जाता है क्या करना है बताओ, लैपलेस डोमेन, तो आप बताओ ये जो सर्किट है इसमें लैपलेस बनाते हैं, ये बनेगा 10/s और यहां पे क्या बनेगा बताओ जरा, 1/cs, 4/s, और यहां पे इंडक्टर है, क्या बनेगा इंडक्टर, 4s, करंट आएगा is। अब करंट निकालते हैं, सबसे पहले is विल बी इक्वल टू 10/s डिवाइड बाई 4s प्लस 4/s, बोलिए सही है, क्या बन गया ये बताओ, 10/s इंटू s डिवाइड बाई 4s स्क्वायर प्लस 4, बोलिए ना, ये s s कट गया और 4 कॉमन ले लो तो ऊपर 2.5 आ गया और नीचे आ गया s स्क्वायर प्लस 1, बोलिए दोस्तों। तो ये इसका अगर टाइम डोमेन में करूं मैं तो it क्या बन जाएगा बताओ, it विल बी इक्वल टू 2.5 साइन ऑफ t, इसका मतलब जो करंट की वेव से बनेगी वो ये बनेगी, जीरो तक बनाया मैंने करंट को, ध्यान दीजिएगा मैंने आगे क्यों नहीं बनाया, मैं आपको बताऊंगा, असल में आगे ऐसे होना चाहिए था करंट, बट क्या नेगेटिव करंट हो सकता है, क्या नेगेटिव करंट हो सकता है क्या, डायोड बताओ यार, डायोड सर्किट लगाओ, नेगेटिव करंट हो सकता है क्या इसमें, नहीं भाई, तो इसका मतलब यहीं तक एक बार देखते हैं, एक बार यहीं तक देखते हैं कि क्या होगा। आप बोलोगे सर अगली साइकिल में हो जाएगा, अगली साइकिल तो बाद की बात है, पहले यहां तक तो एनालाइज कर लो। तो करंट की शेप जो ये आएगी, अब मुझे एक बात आई, कैपेसिटर की वोल्टेज की क्या शेप बनेगी, कैपेसिटर की वोल्टेज, ये करंट है भाई जो इसमें से फ्लो करेगा, अब बताइए कैपेसिटर की वोल्टेज की शेप क्या बनेगी, बताइए कैपेसिटर की वोल्टेज देखते हैं, जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज आएगी वही कैपेसिटर के अक्रॉस आएगी, पैरेलल में ही तो है, जब डायोड कंडक्ट कर रहा है तब की बात हो रही है भाई, जब डायोड कंडक्ट करेगा तो एल और सी दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, तो जो एल के अक्रॉस वोल्टेज आएगी वही सी के अक्रॉस आएगी, तो एल के अक्रॉस क्या वोल्टेज आएगी, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 4s से, तो ये बन जाएगा 10s डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस 1, बोलिए ये एल के अक्रॉस वोल्टेज आ गई, यही मेरी सी के अक्रॉस आएगी, इसका लैप्लस इनवर्स ले लो, तो VCt विल बी इक्वल टू 10 cos ऑफ t, बोलिए, तो इसका मतलब कैपेसिटर की जो वोल्टेज आएगी वो कोसाइन वेव आएगी, ये लो जी सही है, ये यहां पे 10 था और यहां पे -10 होना चाहिए। अब जरा रुकिए, आप इस इंस्टेंट पे कैपेसिटर की वोल्टेज होगी नेगेटिव, क्या डायोड ऑफ होगा, पिछले वाले कैपेसिटर की वोल्टेज नेगेटिव होगी,
मतलब यहां की जो वोल्टेज, यहां पे पोलैरिटी उल्टी होगी, सोचिए कैपेसिटर की, तो यहां की वोल्टेज नेगेटिव आएगी, क्या डायोड ऑफ होगा? डायोड ऑफ नहीं होगा, क्योंकि इधर की वोल्टेज क्या है, नेगेटिव हो, तो ये इंडक्टर क्या बोलेगा, इंडक्टर बोलेगा करंट चढ़ा हुआ है ऊपर, बंद नहीं कर सकते हो तुम मुझे, बंद कर दिया तो सिचुएशन खराब हो जाएगी, ठीक है? तो ये बोलेगा डायोड की, जनाब मेरे तो पीछे नेगेटिव वोल्टेज कर दी है कैपेसिटर ने, तो डायोड बोलेगा मैं अपना करंट डिक्रीज करना शुरू कर देता हूं, क्योंकि अगर मेरा करंट डिक्रीज करेगा तो मेरे अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो क्या होगी, करंट जरूर इधर एंटर कर रहा है बट इधर पॉजिटिव नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा बताओ? क्योंकि जो वोल्टेज बनेगी वो एल डी आई बाई डी टी होती ना, अगर करंट डिक्रीज करना शुरू कर देगा इस पॉइंट के बाद तो डी आई बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। डायोड को बोलेगा कि जनाब मैं इधर की वोल्टेज है ना मैं नेगेटिव बना दूंगा, तुम आने दो बस, तुम करंट को नहीं रोकना है, तो इसका मतलब करंट चलता रहेगा, ठीक है, और कैपेसिटर नेगेटिव होता रहेगा, कैपेसिटर की वोल्टेज नेगेटिव होती जाएगी, ये भी अपना कंडक्ट करता रहेगा और ये अपनी पोलैरिटी को उल्टी रखेगा, ठीक है, सो दैट डायोड कंडक्ट करता रहे, ठीक है, सही है। अच्छा कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए इससे, तभी तो डायोड कंडक्ट करेगा। अरे भाई जब डायोड कंडक्ट करेगा तब तो बराबर ही रहेगी, शॉर्ट हो गया ना, अगर डायोड ऑफ होने की टेंडेंसी दिखाएगा तब ज्यादा नेगेटिव करेगा, समझ रहे हो, समझने का तरीका है बस ये, असल में तो बराबर ही रहेगी वोल्टेज। अब सुनिए ये तो चलता रहेगा कंडक्शन यहां तक, अब यहां पे इंडक्टर हाथ खड़े करेगा, इंडक्टर बोलेगा अब तुम्हारे पास चांस है, डायोड को बोलेगा अब तुम्हारे पास चांस है, बंद हो सकते हो तुम, क्योंकि मेरे में करंट क्या हो चुका है, जीरो, नेगेटिव हो नहीं सकता डायोड। डायोड बोलेगा भाई अब नहीं चलेगी तुम्हारी, इंडक्टर असल में चाह रहा था कि करंट नेगेटिव हो जाए, बट डायोड क्या बोलेगा, डायोड बोलेगा भाई ये मुझे वरदान मिला हुआ अब, ठीक है, उल्टा करंट नहीं जा सकता मेरे अंदर, तो इंडक्टर बोलेगा कोई बात नहीं अब तुम बंद हो जाओ बेशक, मुझे कोई एतराज नहीं है। फिर ये बोलेगा वोल्टेज को, कैपेसिटर की वोल्टेज से पूछेगा, बोलेगा भाई इंडक्टर को कोई एतराज नहीं है, भाई इंडक्टर में करंट हो चुका जीरो, कैपेसिटर बताओ तुम बंद होना है कि नहीं होना है। कैपेसिटर बोलेगा मेरे अक्रॉस नेगेटिव वोल्टेज है, इसका मतलब यहां पर कितनी वोल्टेज है, -10 वोल्ट, इंडक्टर के अक्रॉस कोई करंट नहीं जाएगा, आगे जीरो करंट जाएगा, नेगेटिव तो जा नहीं सकता ना, तो इसका मतलब इंडक्टर में करंट जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा करंट, कितना कांस्टेंट हो जाएगा, जीरो। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या बनेगी, डी आई बाई डी टी, बोलिए, अगर करंट कांस्टेंट है और वो भी जीरो पे है तो वोल्टेज क्या बनेगी इंडक्टर के अक्रॉस, बोलो, जीरो। तो इधर की वोल्टेज होगी जीरो और इधर की वोल्टेज क्या है, -10। डायोड बोलेगा बंद होगा, इंडक्टर बोलेगा हो जाओ बंद, एतराज नहीं है मुझे, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा बताओ, डायोड बंद हो जाएगा। अब अगली बार ऑन होगा क्या, अब यहां पे ये वोल्टेज हो जाएगी, अब अगली बार कभी ऑन होगा क्या, कभी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताओ, इधर -10 रहेगी, इधर हमेशा जीरो रहेगी, ऑन होने के लिए क्या चाहिए बताओ, इधर हायर होनी चाहिए, हायर कभी है ही नहीं। आप बोलेगा सर ये अगली साइकिल नहीं आएगी क्या, अरे ये तो अगली साइकिल तब आएगी ना जब डायोड ऑन होगा, डायोड ऑन कहां हो रहा है, अब डायोड कैपेसिटर इधर फिक्स वोल्टेज रख रहा है -10, इधर की वोल्टेज हमेशा जीरो है, इसमें कोई करंट ही नहीं आ रहा है, आप समझ रहे हो, तो अगली बार कभी ऑन ही नहीं होगा अब डायोड, ठीक है, तो इसका मतलब ये आएगी सेप, समझ आया भाई, बोलिए, कैपेसिटर की ये बनेगी और करंट ये आएगा, ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा, बोलिए दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अभी, समझ आया भाई, तो आज के लिए इतना ही करेंगे भाई, ठीक है, गुरुदक्षिणा दे दो, गुरुदक्षिणा क्या, वीडियो अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत भी समझ आया तो लाइक डिसलाइक करना ना भूलें, दूसरा अपने दोस्तों को जरूर बताएं भाई, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, हमारी मोबाइल ऐप का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उसको इंस्टॉल कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप जो है पब्लिक ग्रुप है उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर असाइनमेंट आपको मिल जाएगा, आज रात को भी असाइनमेंट आएगा एनालॉग का, तो वो भी आप कीजिएगा, ठीक है, तो दूसरा हमारी वेबसाइट का लिंक भी हमने दे रखा है, वहाँ से कोर्सेज की जानकारी ले सकते हो, कोर्सेज को परचेज भी कर सकते हो, ठीक है, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे दोस्तों, मेक श्योर कि इस सेशन को रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, बिकॉज इसमें ना इंडक्टर को मैंने इंट्रोड्यूस किया पहली बार, ठीक है, तो थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है मुश्किल रहा हो इंडक्टर को सोचना, बट फिर भी आप लोग थोड़ा सा इसको रिवाइज कीजिएगा, हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं गए इंडक्टर में और ना ही हम जाएंगे, बिकॉज वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे, अभी मैंने बेसिक लेवल का समझाया, सो दैट ईसी वाले भी उसको थोड़ा सा कैच कर सके, ये ईसी की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो कुल मिला के एक तरह से आपको सीखना पड़ेगा भाई, बेसिक लेवल तो सीखिए एटलीस्ट, ठीक है ना, अगली क्लास जब होगी उसमें फुल वेव रेक्टिफायर हम लोग पढ़ेंगे भाई,
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फुल वेव रेक्टिफिकेशन हम लोग देखेंगे, और हाफ वेव जो रेक्टिफिकेशन हमने पढ़ा है उसके ऊपर आज आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे रात को असाइनमेंट में, उनको आप सोल्व कीजिएगा। क्वेश्चन थोड़े टिपिकल होंगे, बट जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है आप उसको इजीली सोल्व कर पाओगे अगर आपने अंडरस्टैंडिंग सही से बनाई है। तो फॉर्मूले को याद करने की हिम्मत मत दिखाना, आप अपना समय खराब करोगे, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूले को याद करने की, और अगर याद हो जाता तो बहुत अच्छी बात है अभी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही भाई, नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।